Hello everyone, namaste to you all. Welcome you again on a, in a next session, in a new session of Art Pe Charcha. Bahut sare log, especially main un logo ko thanks karna chahunga sabse pehle jo hamare previous speakers bhi rahe hain aur lot of previous speakers faces are known and they are visible here. So thank you so much to you all. And on the behalf of Satyam Fashion Institute, Library Cell, the whole board members, academic and non-academic staff, I, Ujjwal Ankur, welcome you all in this very interesting session of Art Pe Charcha. Today we have a very interesting speaker who is very young in the field but has lot of knowledge. So he is jack of all trades basically, Mr. A.K. Ganguly from NGMA, National Gallery of Modern Art. मिस्टर गांगुली को ऑफिशियली वेलकम करने के पहले मैं एक उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम सेशन शुरू करेंगे. बॉर्न एट बैरकपुर कोलकाता, मिस्टर अर्क कमल गांगुली परस्यूड मास्टर इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी. हैविंग अ स्पेशलाइजेशन इन पेंटिंग, he keeps a keen interest to explore other mediums and different fields of creative expressions. Mr. Ganguly is presently serving at National Gallery of Modern Art, commonly known as NGMA, New Delhi, as an assistant curator. He engages viewers from different age groups, students and teachers through the regular walkthrough, workshops, storytelling sessions, and developing an interest about the collection of NGMA. Being of the part of the curatorial team, he is also involved in the process of planning and organizing exhibitions and other educational and outreach programs. Mr. Ganguly has deep association with different government and private bodies active in the field of art, heritage and culture. He is a guest lecturer at College of Art, New Delhi, National School of Drama, National Council of Education and Research Training, and others. We are feeling privileged to invite Mr. Ganguly in today's Art Pe Charcha. Welcome you, sir. Namaskar. Namaskar all. Kaise hain aap? Namaskar. Badhiya, badhiya. Thank you. Thank you for inviting me. And thank you for making this short teaser. It depicts the journey. Thank you and good evening. So Arg, इतनी बहुत कम उम्र में इतने बड़े ब्रांड से एसोसिएट होके इतनी दूर से आके आपने बंगाल से पढ़ाई की है, जैसा आपके इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में हमने देखा, और वहां से नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, सच अ बिग ब्रांड, एंड यू आर सर्विंग नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एज एन असिस्टेंट क्यूरेटर. एंड हमारे बच्चे सत्यम से तो आपका रिश्ता बहुत पुराना है, काफी आपने हमारे बच्चों को डिफरेंट टूर्स दिए हैं और बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है म्यूजियम की चीजों को. कैसा लगता है इतने छोटी जगह से आकर और फिर इतने बड़े ब्रांड से एसोसिएट होके, क्या जर्नी रही, हमें थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी बताएं जो हम थोड़ा सा जान पाए आपको पर्सनली, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने सेशन की ओर. जरूर. मेरा बर्थ, बाय बर्थ आई स्टार्टेड विद बैरकपुर, व्हिच इज इन नॉर्थ 24 परगनास कोलकाता में. तो मैं कभी सोचा नहीं था मैं म्यूजियम में आके सर्व करूंगा इन द एजुकेशन टीम एज एन असिस्टेंट क्यूरेटर. मेरा ज्वाइनिंग हुआ था एज अ गाइड लेक्चरर, सो आफ्टर सर्विंग 3 इयर्स देयर वाज अनदर ओपनिंग एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल, सो आई अप्लाइड फॉर दैट एंड आई एम सर्विंग नाउ एज असिस्टेंट क्यूरेटर. बट बैरकपुर में अगर आप कभी भी ढूंढेंगे उसमें गांधी म्यूजियम है, तो मेरा म्यूजियम से पहला एक्सपोजर वो हुआ था, वो गांधी म्यूजियम सिट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन, बैठ के वो ड्रॉइंग बनाना पड़ता था 1 घंटा में और वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते थे. तो मेरा मम्मी लेके गए थे उधर पे, मैं क्लास 8-9 में था. तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस है म्यूजियम जाने का. म्यूजियम वो ना हर साल में 1-2 बार ऐसे एक्टिविटी करते थे. गांधी म्यूजियम अभी भी बहुत एक्टिव है, गांधी म्यूजियम बैरकपुर, तो ये मैं याद कर सकता हूँ स्कूल के समय. और एक बार मुझे याद है तब मैं और छोटा था, मम्मी और पापा मुझे इंडियन म्यूजियम पार्क स्ट्रीट जो है इंडिया का सबसे पुराने म्यूजियम 1814 से स्टार्ट हुआ था, उस समय इंडियन म्यूजियम पार्क स्ट्रीट में मुझे लेके गए थे. तो उसका भी मुझे अभी भी वो सोच के गुजबम्स आते हैं, जो वो ह्यूज मैमोथ साइज में उसका जो कंकाल होता है, पूरा वाइल्ड लाइफ के स्टोरी टेलिंग करते हैं.
तो उसका स्मेल, उसका एक्सपीरियंस मेरा अभी भी बहुत ताजा है। तो ये दो म्यूजियम हम कलकत्ता में रहते हुए और बैरकपुर में रहते हुए देखे, और मम्मी पापा के साथ भी देखे, और स्कूल से भी एक बार विजिट हुआ था इंडियन म्यूजियम में। बट मैं साइंस लिया था 11th 12th में, मुझे कभी भी पता ही नहीं था मैं आर्टिस्ट बनूंगा। बट वाइल आई वॉज इन क्लास 11th 11th में पढ़ते हुए मेरा इंटरेस्ट वो बायोलॉजी के ड्राइंग, और जब क्लास 10 में थे तो जियोग्राफी का मैप पॉइंटिंग, ये सब में बहुत मतलब अच्छा लगता था मुझे। और लिटरेचर का जब क्लास होता था तब कविता के पास में जो ड्राइंग रहता है, इलस्ट्रेशंस बोलते हैं, तो जब सर और टीचर पढ़ाते थे स्कूल में, बैरकपुर गवर्नमेंट स्कूल में, और बाद में मैं रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में गया, तो हम हमेशा मैं कोशिश करता था जो फाइन आर्ट्स में तो मैं मेरा इंटरेस्ट है, बट बाकी सारे जो डिपार्टमेंट है उससे कैसे मैं इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ, उसके उससे कैसे फाइन आर्ट्स का एक लिंक बना सकता हूँ। तो शुरुआत ऐसे ही हुआ, इलस्ट्रेशन से, मैप पॉइंटिंग से, बायोलॉजी के ड्राइंग से। फिर धीरे घर में थोड़ा सा अमक था, मैं फाइन आर्ट्स लेके जब रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था, पहला साल थोड़ा सा दिक्कत रहा, आई एम द ओनली चाइल्ड, दे वांटेड मी टू बी एज एन इंजीनियर, बट आई डिडंट गो फॉर दैट। सो फाइनली आई थिंक आफ्टर माई प्रैक्टिस एंड दे सॉ माई प्रैक्टिस, माई मॉम एंड डैड, दे आर इन कोलकाता नाउ, दे सॉ माई प्रैक्टिस एंड दे वर कॉन्विंस एंड दे स्टार्टेड टू सपोर्ट अ लॉट। तो यही है, और फिर आगे बढ़ते रहे। 2014 में मैं मास्टर्स कर किया, उसके साथ साथ मैं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, बिकॉज टू सस्टेन, बिकॉज व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड व्हाट वर्क्स आई वाज डूइंग एंड परफॉर्मिंग, इट वाज नॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सेलेबल। तो हम लोगों को हिस्ट्री ऑफ आर्ट पढ़ाया जाता है, पेंटिंग पढ़ाया जाता है, स्कल्पचर इलेक्टिव था, सो आई वॉज अप्लाइंग इन एज अ सेट डिरेक्टर इन थिएटर इन कोलकाता। आई वर्क कुछ समय फिल्म के सेट में ड्रॉइंग करते थे, और फिर ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में एजुकेशन सेक्शन में पोस्ट निकला था, तो मैं उसमें अप्लाई किया था, और लकीली आई गॉट द चांस एंड आई एम प्रिविलेज टू वर्क इन दिस टीम, बिकॉज आई विल से इट्स ब्रांड, इट्स मोर लाइक अ काइंड ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ कलेक्शन, लाइक इट्स ऑब्वियसली अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, बट द कलेक्शन व्हाट नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली हैज इज ट्रिमेंडस। एवरी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1850 ऑनवर्ड्स टिल नाउ, the contemporary artists, and right now in COVID-19 the museum is physically closed, but the virtual exhibitions are on. If participants are interested, they can visit ngma india.gov.in and they can enjoy the virtual exhibition, even past exhibitions. So I am working with a very passionate team. I have senior curators, director general, and in the museum we have horticulture department and all. So even the security guard staff who look after the artworks, the restoration team, all are very important. And it's a very lively situation to work in this team. I'm privileged. Wow. Why I ask this question, especially I'm talking to attendees, aapko pata chala hoga, I wanted to show which kind of person Orgo is. In the way he speaks, hame khud samajh mein aa jata hai ki, like he said, I was lucky, I got selected. तो आपको खुद पता चल जाता है कि कितना ज्यादा ग्राउंडेड है ये इंसान, आप इतने बड़ी जगह पे, इतने बड़े पोस्ट पे काम करने के बाद। सो इट इज द वे टू लर्न, आप स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर स्टूडेंट्स हियर और हु आर वेरी एट इनिशियल लेवल ऑफ देयर इन देयर फील्ड, दे शुड लर्न। वो एक चीज होती है, फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है, सो यू शुड ऑलवेज लर्न। जो खड़ा होता है, स्ट्रेट होता है, उस याद रखिए कि वो उसमें कोई फल नहीं होता। सो अच्छी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी और बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही। साइंस का स्टूडेंट फाइनली आर्ट्स में आता है और आर्ट को इतने अच्छे ढंग से सर्व करता है और आगे भी सर्व करते रहेंगे। बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडीज से भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे प्राइवेट बॉडीज से भी जुड़े हुए हैं। यू आर एन आर्ट एजुकेटर, यू आर अ गाइड, यू आर अ क्यूरेटर, लॉट ऑफ थिंग्स यू आर डूइंग। सो वी आर फीलिंग प्रिविलेज टू हैव यू इन दिस स्टेज, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं, और वो हम पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारा टॉपिक है कि म्यूजियम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो हम जब सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो इट्स अ होलिस्टिक टर्म, ये बहुत बड़ा टर्म है। सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं, केवल वही लोग नहीं रहते हु आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स आर्ट्स और हु आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स हेरिटेज कल्चर। बहुत तरह के लोग रहते हैं, कुछ पॉजिटिव माइंडेड भी हैं, कुछ नेगेटिव माइंडेड भी हैं, कुछ न्यूट्रल भी हैं, कुछ फ्लेक्सिबल भी हैं, फ्यू आर वेरी हार्ड टू टैकल। तो और हर तरह के प्रोफेशंस के लोग हैं सोसाइटी में, सो इट्स वेरी ब्राइट, वेरी ब्रॉड टर्म। तो एक म्यूजियम
मैं पूछना चाहूंगा कि स्पेशली आप उन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा जो लोग आर्ट बैकग्राउंड के नहीं है. ऑब्वियसली जैस आर्ट को तो म्यूजियम इफेक्ट करता ही है, वो हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसे इफेक्ट करता है, बट आप ज्यादा इस पे फोकस कीजिए प्लीज मेरे इस क्वेश्चन के आंसर में कि दूसरे सेगमेंट्स हैं जो सोचते हैं कि क्या जरूरत है म्यूजियम जाने का. हम अपना काम करने जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, मेरे को तो इंजीनियर बनना है, मेरे को तो एस्ट्रोनॉट बनना है. हाउ एन आर्ट म्यूजियम कैन इफेक्ट देयर व्हाट थिंकिंग, देयर पर्सपेक्टिव, देयर होराइजन. आपने जो बोला जो सोसाइटी, ये जो टर्म है, सो दिस इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म एंड आई ऑल्सो एग्री विद दैट. एंड अक्सर हमारे जो सीनियर क्यूरेटर्स है, हमारे जब टीम मीटिंग होता है, काफी समय मैं भी नहीं रहता हूँ, बट जब एक एग्जीबिशन डिजाइन होता है, जैसे एनजीएमए में परमानेंट गैलरी है जहाँ पे जो एनजीएमए के पास जो कलेक्शन है वो दिखाते हैं, और कुछ समय टेम्पररी एग्जीबिशन होता है, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ऐसे एग्जीबिशन डिजाइन किया जाता है, खुद के कलेक्शन से भी होता है और कुछ समय कोलाबरेट भी करते हैं, इंटरनेशनल म्यूजियम के साथ कोलाबरेशन रहता है, नेशनल आर्टिस्ट उनके रेट्रोस्पेक्टिव होता है. तो मैं जो 2014 नवंबर से अभी 2020 तक मैं जो एक्सपीरियंस किया, इसमें मैं बहुत चीज मैं भी सीखा, बिकॉज आई नेवर थॉट आई विल स्टडी म्यूजियोलॉजी, और मैं फाइन आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, आर्टिस्ट ही मेरा था, तो मैं अप्लाई कर पाया था उस पोस्ट के लिए. तो एक म्यूजियम में जब शो होता है तो उसमें क्यूरेटर्स भी स्टडी करते हैं, मतलब एक शो होने के आगे ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, मतलब एक साथ मीटिंग होता है, उसका प्लानिंग होता है, उसमें क्या एक आर्ट ऑब्जेक्ट है, आर्टिस्ट देयर व्हेन एन आर्टिस्ट इज वर्किंग, एक आर्टिस्ट जब काम कर रहे हैं, मैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के पर्सपेक्टिव भी छोड़ दे रहा हूँ, अगर नेशनल म्यूजियम भी है, अगर हम लोग कोई हिस्ट्री के कोई निदर्शन है, कोई ऑब्जेक्ट को लेके आए हैं, तो आप जैसे बोला है एक इंजीनियर और एक ट्रैफिक सिग्नल ऑफिसर और नहीं तो कोई प्लेयर, व्हाई दे विल कम टू द म्यूजियम. मेरा फर्स्ट जो सजेशन है, म्यूजियम इज अ स्पेस वेयर दे लाइक अ स्पेस इंट्रोड्यूस यू टू योर हिस्ट्री, लाइक आपको एक दरवाजा ओपन कर देता है, आप कहाँ पे हो आज 2020 में, और 1950 कैसे थे, 1750 कैसे थे, तो कुछ आर्ट ऑब्जेक्ट से वो कहानी बताते हैं. तो बचपन से आप कोई भी देश में आपका जन्म हो, कोई भी जगह आप बड़े हुए हो, कोई भी गांव में, शहर में, कहानी सुनना हम लोगों का एक आदत है आप बोल सकते हैं, और कहानी सुनने के साथ अगर हम देख लेते हैं तो वो तो और भी मजा आता है. तो आप देखेंगे कोई भी म्यूजियम होता है, इट कैन बी दिल्ली में सुलभ शौचालय के म्यूजियम है, ट्रांसपोर्ट म्यूजियम है, इवन काइट म्यूजियम है गुजरात में, पतंग के म्यूजियम है. तो इस म्यूजियम से क्या होता है, इट्स इंट्रोडक्शन ऑफ हु यू आर एंड मे बी हम लोगों का पूर्वज कौन थे, वो कैसे सोच रहे थे, उनका सोचने का तरीका क्या था, उनका सोच को मेटेरियलाइज जब वो करते थे, वो एक्सप्रेस करते थे, वो कैसे एक्सप्रेस करते थे, ये सब चीज हम लोगों को पता चल जाता है. तो मैं 5 साल में देखा हूँ एनजीएमए में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ, ओनली द क्यूरेटेड वर्क्स व्हाट आई एम डूइंग, इट्स नॉट ओनली सत्यम फैशन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के लिए, हम लोग आईआईटी के स्टूडेंट्स के लिए करते हैं, आईआईटी के फाइन आर्ट्स क्लब के स्टूडेंट्स आते हैं, बट जो एकदम हार्डकोर रिसर्च में रहते हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट्स, लिटरेचर के स्टूडेंट्स, वो आके वो मेल लिखते हैं. जो हम लोग आएंगे 50-100 लोग आएंगे तो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं 2 ग्रुप में हम लोग बांट लेंगे, नहीं तो 50 इज अ गुड नंबर सो आई कैन कैरी द टूर. सो मैंने देखा जो काफी सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग भी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, मतलब मॉडर्न आर्ट जो सेगमेंट है 1850 और 19th सेंचुरी से अभी तक, इसके लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं. और मुझे तो ये विश्वास है मॉडर्न आर्ट के लिए इतना अगर इंटरेस्ट है तो हिस्ट्री म्यूजियम के लिए और भी जो डिफरेंट डिफरेंट म्यूजियम है उसके लिए लोग इंटरेस्टेड होंगे ही. क्यों? क्योंकि उनको उनके रूट के साथ जुड़ना है, उनको पता होना चाहिए जो ह्यूमन कितना इमेजिनेटिव होते थे, हम जो स्पीसीज है ह्यूमन बींग होमो सेपियंस सेपियंस, वो कितना इमेजिनेटिव थे, वो कैसे डिफरेंट नेचुरल जो कैलमिटीज है उसके सामना किया, अभी भी हम लोग सामना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. तो ये सब हिस्ट्री म्यूजियम से पता चल जाता है. पुलिस म्यूजियम है, आर्मी म्यूजियम है, वॉर म्यूजियम है, हर म्यूजियम के स्टोरी टेलिंग का पर्सपेक्टिव होता है.
ऑब्वियसली मुझे मॉडर्न आर्ट गैलरी पसंद है, मैं इतना बायस्ड हूँ, मैं काम कर रहा हूँ. ये हो ही सकता है जो काफी लोगों का नहीं इंटरेस्ट हो, बट इंटरेस्ट पैदा करना ये भी म्यूजियम का काम है. मैं एक चीज देखा हूँ, ऑब्जर्व किया हूँ, ये मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ. मैं खुद का म्यूजियम में तो नौकरी करता हूँ, बट आसपास में नेशनल म्यूजियम है, क्राफ्ट म्यूजियम है जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर है, और भी प्राइवेट म्यूजियम्स है दिल्ली में, और दिल्ली के बाहर भी जब मैं घूमने गया हूँ कलकत्ता और बाकी सारे स्टेट्स में, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ साइट तो विजिट करेंगे ही, बट अगर छोटा सा कोई स्टेट म्यूजियम भी है हमेशा मैं विजिट करता हूँ. उसमें शायद बहुत अच्छे से लाइट डिजाइन नहीं रहता है, बट अगर रहता तो बहुत अच्छा होता. तो बहुत चीज में काम करना है, बिकॉज एक म्यूजियम को एक अट्रैक्टिव जगह बनाना है जहाँ पे जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, शायद जैसे मैं देखा वो कोई जू में आते हैं, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के थोड़ा सा पास ही है हाई कोर्ट, उसके पास ही है जू, उसके थोड़ा सा आगे है वॉर म्यूजियम, उसके थोड़ा सा आगे है इंडिया गेट. तो हमारे जो दर्शक आते हैं, ऑब्वियसली एकेडमिक ग्रुप वी आर रिसीविंग, बट लॉट ऑफ पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम मीरठ फॉर वन डे टू सी दिल्ली, उनके लिए वो इतना अच्छा कैंपस देखते हैं, पूछते हैं बाहर सिक्योरिटी को, अगर सिक्योरिटी बोलेंगे नहीं नहीं ये आर्ट म्यूजियम है, अगर ऐसे बोलेंगे वो अंदर ही नहीं आएंगे. सो जो गेट में भी सिक्योरिटी रहता है उनके साथ भी मेरा ब्रीफिंग होता है, सीनियर ऑफिसर बात करते हैं, जो सबको थोड़ा सा वेलकमिंग होना चाहिए, उनको बताना चाहिए यार ये इधर पे तो ट्रेजर्स है इंडियन आर्ट का. तो अगर म्यूजियम के एम्प्लॉयज के एटीट्यूड भी थोड़ा सा वेलकमिंग होगा, मुझे लगता है कोई भी आप फील्ड से हो आप आएंगे जरूर. और एक बार आपको थोड़ा सा ना वो म्यूजियम क्यूरेटर्स का काम क्या है, एक्सीलरेट करना, एक बार दर्शक को इंटरेस्ट दे देना, और उसके बाद तो दर्शक, मैं कितना बार देखा हूँ, पापा आया है पहले ऑफिस के कोई काम में, आए थे हाईकोर्ट में, घुस गए एनजीएमए में, देखा मेरा क्यूरेटेड वर्क फ्री है, उन्होंने अटेंड किया, उन्होंने बोल के किया रविवार में बीबी और बच्चे को लेके आ रहा हूँ. मम्मी हाईकोर्ट में नौकरी करता है, नहीं तो वो क्या नाम है वार म्यूजियम में जो ऑफिसर्स है वो लोग खुद से आ गए. तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, इफ यू आर पैशनेट, इफ योर इंस्टीट्यूशन टीम, यंग टीम, और मैं भी बोल रहा हूँ जो सीनियर ऑफिसर्स भी आपको हेल्प कर सकता है स्ट्रैटेजी तैयार करने में. बट एक कहावत है, आपने बहुत अच्छा बोला था, मुझे मम्मी और पापा बोलते थे, इवन कुछ सीनियर ऑफिसर्स इधर पे भी, मैं जब ज्वाइन किया था मैं बोला था इतना कम लोग क्यों आते हैं मॉडर्न आर्ट गैलरी में, तो उन्होंने बोला था जो जो लोग समझते हैं और जो लोग आनंद ले पाते हैं वो लोग ही आएंगे, और मॉडर्न आर्ट गैलरी में ऐसे ही होता है. तो वो बोले थे जिस फूल का स्मेल अच्छा हो तो वो क्या होता है ना, जो बीज होता है, जो हनी बीज आता है, तो वो उस फूल के पास ही आता है. तो मुझे ये जो डायलॉग है ना ये थोड़ा सा पुराना लगता है. मतलब मैं बहुत सारे म्यूजियम एनजीएमए के पास बहुत अच्छा आर्ट ऑब्जेक्ट है, अगर उस अहम को लेके हम बैठ जाए और कुछ प्रोग्राम डिजाइन नहीं करे तो शायद वो वेलकमिंग नहीं होगा. शायद आप जो बोल रहे हो इंजीनियर, मेडिकल स्टूडेंट्स और जो फाइन आर्ट्स फील्ड का नहीं है उनको जुड़ नहीं पाएंगे. तो मैं बोल रहा हूँ पिछले 5 साल में मैं ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स देखा हूँ, नाइट इन अ म्यूजियम, आर्ट अड्डा, फ्री क्यूरेटेड वर्क. हम जब एकेडमिक ग्रुप्स बोलते हैं, आपको भी याद होगा मैं बोलता हूँ थोड़ा सा अगर स्केच बुक लेके आएंगे हम लोग बैठ के स्केच करेंगे. इवन मैं तो मेरे पास एक काहोन है, कुछ समय जब यंग ग्रुप आते हैं टूर के बाद और फीडबैक सेशन के बाद हम लोग म्यूजियम कैंपस के एक साइड में कॉर्नर में थोड़ा सा म्यूजिक जैमिंग भी कर लेते हैं, जो बाकी दर्शक का साउंड में प्रॉब्लम नहीं हो, बट शाम के समय थोड़ा सा गिटार बजा के कैंपस में थोड़ा सा शांत रख के एक जगह में, तो उसमें क्या होता है लोग जुड़ते हैं और कैंपस को ना अपना समझते हैं. तो तब मुझे लगता है हम लोग मतलब जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, लार्जर देन ओनली द आर्टिस्ट और द फाइन आर्ट्स फैटर्निटी वी कैन रीच, वी कैन मेक द म्यूजियम फॉर ऑल. इट इज नॉट ओनली फॉर एनजीएमए, I think there are very passionate and dedicated curator for every institution. And मैं तो COVID के समय देख रहा था, all of the institution, private and government museums, they are doing very good. And lot of people are also sharing in their Facebook page. They like those kind of activities or virtual tours. We are resuming the same thing. जहाँ तक बहुत अच्छे से Orgu ने explain किया कि भाई museum is That much important. हमारे पास एक क्वेश्चन भी आया था हमारे एक अटेंडीज का, हम उनको लेंगे अभी थोड़ी देर में, आपसे सीधे सीधे वो बात कर पाएंगी. तो एक चीज हमें समझना पड़ेगा, जो भी प्रोफेशनल्स हैं जिनके छोटे बच्चे हैं या जो खुद भी अभी बड़े इनिशियल स्टेज पे हैं,
देखिए एक एक चीज है हमारे दिमाग में, दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक सेंस, सौंदर्य बोध, जिससे हम खूबसूरती को अप्रिशिएट करते हैं। तो इफ वी विल गो टू गैलरीज, इफ वी विल गो टू म्यूजियम्स, तो हमें समझ में आएगा कि अच्छा वहां पे बहुत चीजें होती हैं जिसको आपको छूना नहीं है। तो सर्टेनली वी विल रियलाइज कि अच्छा इसको हमें टच नहीं करना, वाई, बिकॉज दिस इज वेरी डेलिकेट एंड वेरी ब्यूटिफुल, तो हमें टच करके इसको खराब नहीं करना। तो जब हम नॉर्मल उसको नॉर्मल पर्सपेक्टिव में सोचे, और वो हमेशा मेरे दिमाग में ये चीज चलती है कि हम बहुत सारे ऐसे सोशल प्रॉब्लम्स को झेलते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस इज देयर, रेप केसेस आर देयर, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इनफैक्ट वैंडलिज्म इज देयर, मॉन्यूमेंट्स के वैंडलिज्म। तो अगर एक चीज हमारे जहन में स्कूल टाइम से या बचपन से ही डाल दी जाए कि नहीं दिस इज समथिंग कॉल्ड ब्यूटीफुल, जो आपके आंखों को अच्छा लग रहा है वो ब्यूटीफुल है, और जो भी ब्यूटीफुल चीज है उसको हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना, तो वो हम म्यूजियम में जाके बच्चों को सिखा सकते हैं, उनको इनबिल्ट कर सकते हैं, गैलरीज में जाके बच्चों को सिखा सकते हैं, उनके अंदर ये चीज डाल सकते हैं कि जो भी चीज खूबसूरत दिख रही है आपको उसको आपको खराब नहीं करना है। तो मेरे को लगता है कि शायद ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आ जाएगी और ये एसिड अटैक हो जाता है। एसिड अटैक क्यों होता है, मेरे को तो ये लगता है कि शायद एक चीज, एक की सूरत, एक का फिजिकल अपियरेंस अच्छा लगा, आई वॉन्टेड टू अडॉप्ट दैट, आई वॉन्टेड टू पोजेस दैट, और सामने से अगर हमें एक निगेटिव वो मिला कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो एसिड अटैक हो जाता है या रेप हो जाता है या कोई भी वैसी चीज हो जाती है। तो अगर हमें ये पता होगा कि नहीं ब्यूटी को अप्रिशिएट करना है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना, तो शायद हम बियॉन्ड आर्टिस्ट बैकग्राउंड वाले लोगों को भी ये चीज समझा पाएंगे और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो म्यूजियम जाना, गैलरीज जाना, पेंटिंग्स देखना, आर्ट, हेरिटेज, कल्चर, इन चीजों को देखना, महसूस करना और अडॉप्ट करना बहुत बेसिक चीजों से शुरू होता है। बड़ी बड़ी बातें तो हम लोग बहुत करते हैं कि वैंडलिज्म नहीं होना चाहिए, मॉन्यूमेंट्स बचाओ, टैक्स आएगा, पैसे कमाएंगे, दीज ऑल आर वेरी बिग थिंग, वो तो बियॉन्ड लिमिटेशन बहुत दूर की चीज है, सेकंड थर्ड स्टेप है, बट प्राइमरी स्टेप यही है कि एवरीबॉडी शुड हैव एस्थेटिक सेंस। मैंने स्पीकर से थोड़ा ज्यादा बोल दिया जो कि ये सही नहीं है, होस्ट शुड स्पीक लिटिल लेस, और वो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जैसे कि आपने बात बात में बोला कि बहुत चीजें हैं जो कि कभी कभी म्यूजियम वेलकमिंग नहीं हो पाता, हम वहीं पे इंडिया गेट पे चले जाते हैं, हम वहीं राष्ट्रपति भवन देखने दूर से चले जाएंगे, बट हम नेशनल म्यूजियम के अंदर कदम नहीं रखेंगे क्योंकि CISF वाले जवान बाहर खड़े रहते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, बैग उधर जमा कराओ, या आपके NGMA में बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछने लगते हैं किससे मिलने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। और अंदर में जब हम चले जाते हैं, देन आपने एग्जाम्पल दिया कि जब टूर मिलता है, जब अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता है, तो लोग कहते हैं कि हम दोबारा आएंगे। तो पहली चीज तो गलती हो गई, पहली लैकुना हो गई कि हम वेलकमिंग नहीं है म्यूजियम्स और गैलरीज को लेके। कोई भी नॉर्मल इंसान ललित कला एकेडमी के अंदर वॉक इन नहीं करता है, उसको लगता है पता नहीं क्या हो रहा होगा, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, तो हम मासी नहीं हो पा रहा है, आर्ट कहीं ना कहीं क्लासी हो गया। दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा आपने बोला कि हम कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं कि भाई जिसको समझ में आएगा वही आएगा, आर्ट इज नॉट फॉर एवरीवन, तो इसको भी हमें तोड़ना है। तीसरी चीज एक मेरे को हमेशा लगती है कि जब मेट्रो स्टेशन है, उद्योग भवन क्यों है, मेट्रो स्टेशन नेशनल म्यूजियम क्यों नहीं है? उद्योग भवन में कोई टूरिस्ट नहीं आएगा, बट नेशनल म्यूजियम में टूरिस्ट आएगा। उद्योग भवन में वो लोग जाएंगे जो कि काम कर रहे हैं, उनको ऑटोमेटिकली पता है कि कहाँ जाना है। तो मेरे को लगता है बस स्टैंड का नाम NGMA होना चाहिए या मेट्रो स्टेशन का नाम म्यूजियम के नाम से होना चाहिए, तो शायद हम इन चीजों को और भी अच्छा करें। इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हुए और भी मैं आपसे पूछूंगा कि जो भी म्यूजियम्स हैं इंडिया में, मूवी थिएटर में इतनी लंबी लाइन लग जाती है लेकिन हिस्टोरिकल प्लेसेस पे नहीं लगती, म्यूजियम्स में नहीं लगती, तो दो चीज बताइए। एक तो हम केवल क्रिटिसिज्म के लिए नहीं बैठे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं? आपने एक शेयर किया था, मैं उसको भी चाहूंगा थोड़ा इलाबोरेट करके बताइए। म्यूजियम इन अ नाइट आप लोगों का एक वो था, एक इवेंट आप लोगों ने, मतलब एक इनिशिएटिव था आप लोगों का, तो कुछ क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं जो इंडियन म्यूजियम्स कर रहे हैं, और उसमें क्या क्या चीजों की शुरुआत, क्या क्या चीजों की जरूरत है उसको और अच्छा करने में? निगेटिव में नहीं बोलूंगा कि निगेटिव है, बट क्या क्या स्कोप्स हैं सुधार करने के लिए, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बहुत लंबा और बहुत भारी हो गया सिचुएशन, क्योंकि जो जो टॉपिक में सुना आपने, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में ट्रिगर किए, वैंडलिज्म, मोनूमेंट को हर्ट करना, और जिस देश में अगर हम देखेंगे रोटी कपड़ा मकान के जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारे पुराने दिल्ली में रेगुलर जो काम करता है, उनको म्यूजियम में आप अगर चाहे उसको फ्री बस भी दे देंगे तो वो पहले सोचेंगे म्यूजियम जाके उनको क्या होगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ कुछ समय हम भी परेशान हो जाते हैं, ऐसे नहीं है जो हम सब कर पा रहे हैं। और मैं बहुत जूनियर हूँ, मतलब अगर सिस्टम
इवन प्राइवेट म्यूजियम और गवर्नमेंट म्यूजियम के काफी वो प्रोसेस है, हायरार्की है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, म्यूजियम के चेयरपर्सन होते हैं, प्राइवेट म्यूजियम्स का भी होता है उनका टीम. तो बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें मैं भी थोड़ा सा वो क्या मैं बोलता हूँ, भावुक हो जाता हूँ. जैसे आपने बोला जो ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो होता है, जो म्यूजियम्स और जो ऑलरेडी प्रतिष्ठित जगह है उसको थोड़ा सा कुछ कर देना, जो गवर्नमेंट का अटेंशन आए उनके तरह, ये भी एक तरीके का पॉलिटिक्स ही है. वो अभी मैं उसको लेके चर्चा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि काफी फिल्म बना, काफी डॉक्यूमेंट्री मूवी है और पढ़ भी सकते हैं हम लोग ये एंटी आर्ट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट क्या है. बट ये होता कहाँ से है, मुझे लगता है ये लोग अटेंशन सीक करने के लिए, मतलब रूलिंग जो भी है कोई भी देश में हो, ऐसे काफी हिस्ट्री में निदर्शन है. और एक एक शब्द आपने बोला एस्थेटिक सेंस, तो अगर बचपन से हम लोगों को वो माहौल मिला, बचपन में क्या माहौल मिल सकता है? एक शहर में अगर रहते हैं तो म्यूजियम जा सकते हैं जहाँ पे एसी गैलरी है, व्हाइट क्यूब गैलरी है. अगर गांव में रह सकते हैं तो गांव में कितने सारे म्यूजियम हैं, और गांव में जो हम लोग रंगोली बनाते हैं और जो छोटे छोटे वो खिलौना बनाते हैं वो तो मेले में हम लोग खरीदते हैं, उसको क्या हम लोग इम्पोर्टेंस दे सकते हैं? उसके तरफ नजरिया क्या चेंज करते हैं? उनको क्या पेडेस्टल दे सकते हैं? उस वो भी आर्ट है और वो कोई ऐसे डेकोरेटिव और कॉमोडिटी चीज नहीं है. क्योंकि देखिए मतलब ये ना क्वेश्चन बेसिकली अंडरस्टैंडिंग चेंज करने का है हम लोगों का. मतलब मैं जब फाइन आर्ट्स कॉलेज में गया था तो एक एक समझ था जो हम लोग इवन क्वेश्चन भी करते थे थ्योरी टीचर को, फाइन मतलब प्रैक्टिकल टीचर को, हम पेंटिंग क्यों बनाएं और क्यों एग्जीबिशन करें? वही तो मेरा मम्मी पापा जाएंगे और 50-60 लोग जिनको मैं जानता हूँ वही आएंगे. जो लोग चल के जा रहे हैं अगर उधर पे मूवी पोस्टर लगा दे तो वो घुस जाएंगे अंदर. अगर लगाए पेंटिंग का एग्जीबिशन हो रहा है, स्कल्पचर का एग्जीबिशन हो रहा है, वो अंदर नहीं घुसेंगे. क्यों? क्योंकि शुरुआत से हम लोग आर्ट को कमोडिटी बना दिए हैं. जिनके घर में पैसे हैं उनके घर में बड़े बड़े आर्टिस्ट का काम है, बड़े बड़े आर्टिस्ट को आप कलेक्ट कर सकते हो. और आप सच में इवन एनजीओ में भी काफी लोग आते हैं, वो आर्ट के जो महंगाई है उस हिसाब से आर्ट हिस्ट्री को देखना चाहता है. वो बहुत गलत है. वो कभी भी आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से और आर्टिस्ट के जो मैं बोलूँ वो प्रयास है उसके पर्सपेक्टिव से बहुत कम लोग अप्रिशिएट करने आता है. वो अच्छा पेपर में इनका नाम आया था, इतना करोड़ में बिक गया, तो मुझे जानना है इस आर्टिस्ट के बारे में, तो मुझे उनका ओरिजिनल पेंटिंग देखना है. सेल, सेलेबिलिटी, प्रॉफिट इज इम्पॉर्टेंट. विदाउट दैट वी कैन नॉट सस्टेन. बट वेन यू आर अप्रिशिएटिंग आर्ट, ट्राई टू अप्रिशिएट लाइन्स, कलर, इमेजिनेटिव क्वालिटी ऑफ द आर्टिस्ट, हाउ द आर्टिस्ट रिफ्लेक्टेड द सोसाइटी. हाँ, वो सब पॉइंट अगर हम लोग अप्रिशिएट करें फिर हम लोग बिजनेस के पॉइंट में आए तो हम लोगों का एक समझ बनता है. तो जिनके पास 200 रुपए के काम जरूरी होता है, जो पेंटर है और जो रास्ता बना रहे हैं, वो एनजीएमए में आएंगे क्यों? एनजीएमए के आर्ट ऑब्जेक्ट और एनजीएमए का स्टोरी टेलिंग और नेशनल म्यूजियम में आके वो हिस्ट्री मौर्यन पीरियड का जान के क्या कर लेंगे? ये तो मैं भी सोच के हैरान हो जाता हूँ. जो क्यों म्यूजियम में ऐसे लोग आएंगे, तब आएंगे जब उनको एक दिन का छुट्टी मिलेगा. वो दुर्गा पूजा हो सकता है, वो ईद हो सकता है, वो इंडिया गेट देखने आए. उनके छोटे बच्चे हैं, उनके बीबी है, बीबी भी कोई जगह में काम करते हैं. अभी ओनली पुरुष काम करता है ये तो नहीं है, मेल काम करने जा रहा है, वुमेन घर में है, अभी वुमेन भी काम कर रहा है. तो उस दिन जिस दिन वो छुट्टी का दिन मनाने आए, वो एक ही दिन है म्यूजियम के पास उनको अट्रैक्ट करना. वो अगर अंदर आ गया और रविंद्रनाथ के पेंटिंग के सामने खड़ा होके बोला जो भाई साहब आप तो फ्री गाइडेड वॉक देते हैं, हम 3:30 के लिए वेट किए थे, तो मुझे थोड़ा सा बताइए ना, ये रविंद्रनाथ को इतना बड़े आर्टिस्ट क्यों माना जाता है? रवि वर्मा जी इतना लोग इनके नाम क्यों बोलते हैं? ये पूछते हैं लोग और मैं इसे आंसर भी देता हूँ. और वो इतना खुश होके जाता है क्योंकि उनको लगता है वो जन्नत मिल गया. क्योंकि फ्री टूर है, 20 रुपए का टिकट होता है, बच्चे का टिकट नहीं लगता है. हाँ, कोई ऑटो चला रहा है, वो कोई त्योहार जैसे दिवाली के समय बहुत सारे ऑटो रिक्शा कूलर जो है वो उनके परिवार ऑटो में बिठा के एनजीएमए में बाहर ऑटो रख के एनजीएमए के अंदर 20 रुपए का टिकट लेके आता है. और मुझे इन लोगों से बात करना इतना इंटरेस्ट लगता है. और मैं तो बीच बीच में हमारी जो गैलरी अटेंडेंट है ना, जैसे आपने बोला है नेशनल म्यूजियम में CISF है, हमारे इधर पे जो सिक्योरिटी टीम है, तो मैं उनके साथ भी कुछ समय गप्पे लगा लेता हूँ. मैं पूछता हूँ आपके घर कहाँ पे है, तो वो पूछता है आप इतना बकबक क्यों करते हो म्यूजियम के अंदर? पेंटिंग है, पेंटिंग में लोग कलर देखेंगे, फॉर्म देखेंगे, चले जाएंगे, आपका इतना बकबक करने का, समझाने का क्या जरूरत है? तो फिर मैं उनके लिए भी टूर करता हूँ,
उनके लिए भी थोड़ा सा घुमा के दिखाता हूँ। मैं बोलता हूँ अगर मेरा तबियत खराब हो जाए और मेरा इधर पे मैं छोड़ के कोई और जगह नौकरी करे, तो आप भी मेरे जैसे कोई इंटरेस्टेड लोग आके पूछे तो उनको थोड़ा सा बता तो सकते हो, और ज्यादा पूछे रिसर्चर हो तो उनको भेज दीजिए एडमिन ब्लॉक में, उधर पे क्यूरेटर्स बैठे हुए हैं जो मेरा भी सीनियर है, मेरा भी क्वेश्चन का सवाल करते हैं। तो ऐसे अगर हम लोग अप्रोच लेंगे तो मुझे लगता है इट्स नॉट दैट एट दैट मोमेंट वी विल हैव द रेमेडी, बट धीरे धीरे वो चेंज होगा, समझ चेंज होगा, लोग जुड़ेंगे। क्यों फिल्म में जुड़ते हैं, वैसे हमारे साथ भी जुड़ेंगे, मतलब म्यूजियम्स के साथ भी जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो म्यूजियम्स कुछ बहुत सारी चीजें, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ वो हाँ। और एक मैं भूल गया, मतलब इतना लंबा बात था तो वैंडलिज्म, एस्थेटिक सेंस, और एस्थेटिक सेंस वो ना धीरे धीरे डेवलप होता है। सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, आप उसके बारे में भी थोड़ा जरा बताएं कि क्या क्या पॉजिटिव इनिशिएटिव्स हैं म्यूजियम्स के ऑल ओवर इंडिया, और क्या क्या चीजें और भी होनी चाहिए। हाँ जी जी, पॉजिटिव अप्रोच देखिए, मैं पहले जब मैं ज्वाइन किया था 2014 नवंबर में, तो म्यूजियम के टाइमिंग था 10 से 5, और अभी अगर आप वेबसाइट में देखेंगे एनजीएमए का, उसमें म्यूजियम के टाइम है 11 से 6:30, और शनिवार और रविवार 11 से 8 है, और जनवरी 2019 से नाइट इन अ म्यूजियम स्टार्ट हुआ, उससे थोड़ा सा आगे से 8 अड्डा स्टार्ट हुआ। तो मैं थोड़ा सा एनजीएमए के पर्सपेक्टिव में बता देता हूँ, और भी म्यूजियम काफी सारे चीज कर रहा है। नाइट इन अ म्यूजियम इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस, स्कूल्स और अगल बगल का ऑफिस है मतलब इंडिया गेट में, और अगर दिल्ली टारगेट किया जाए, लोकल एरिया को टारगेट किया जाए, तो सभी लोग ज्यादातर 5 और 6:30 बजे तक काम करते हैं, तो उसीलिए शनिवार और रविवार 8 बजे तक खोल देना इनको। और एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ये किए हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को चिट्ठी लिख के परमिशन मिला है, तो कुछ समय जो हायर पोस्ट में बैठे हुए हैं वो लोग भी अगर प्रयास करें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी जो डायरेक्टर जनरल सर है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, ये लोग प्लान करके ये सब चेंजेस कर रहे हैं, और मैं इनका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं एकदम सामने से देख रहा हूँ चेंजेस हो रहा है। 8 अड्डा क्या है, शाम में ऐसे म्यूजियम के विजिटर, स्टूडेंट्स सब एक साथ आ जाते हैं, और फिर तो 8 अड्डा के जो पर्सपेक्टिव था, कोई भी म्यूजियम में सजेशन और सुझाव देने के लिए पहले ईमेल किया जाता था, फिर कोई सजेशन और कोई एग्जीबिशन प्रपोजल्स लेके आते थे तो वो वेट करते थे हाँ एडमिन में। बट 8 अड्डा में क्या हुआ, कोई भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कोई भी एडुकेटर आ रहे हैं, वो डायरेक्टर बैठे हुए हैं, क्यूरेटर बैठे हुए हैं, जिनको शायद कोई म्यूजियम में हम पहुंच ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, वो एकदम 8 अड्डा में सामने आके बैठ रहे हैं, लोग उनको सजेशन दे रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, काफी सारी चीज सीख रहे हैं। रीलर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो हम जानते हैं, और जब लोगों के नजरिए से देखते हैं, सुनते हैं, तो लगता है नहीं इसमें काम करना चाहिए। ये 8 अड्डा शाम में होता है, महीने में एक बार करके, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, गपशप होता है, चाय और बिस्किट भी थोड़ा सा, मतलब एक माहौल है जहाँ पे म्यूजियम देख के आप आके सीनियर ऑफिशियल्स के साथ बैठ सकते हो और थोड़ा सा बातचीत कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल एग्जीबिशन के साथ साथ भी विषय लेके ऐसे 8 अड्डा हुआ है, क्योंकि एक होता है स्लाइड प्रेजेंटेशन एंड टॉक, वो बहुत मतलब सोफिस्टिकेटेड है, मतलब एकेडमिक ग्रुप आएंगे बैठेंगे, बट 8 अड्डा क्या है, मतलब खुला जगह में हो रहा है, ऐसे ही कोई आके बैठ जा रहा है, वो सुन रहा है, सुन के भी वो सीख रहा है। एक है नाइट इन अ म्यूजियम, जैसे आपने बोले, नाइट इन अ म्यूजियम का 6-7 सेशन ही हुआ है, अभी वो स्टॉप था कोविड के आगे भी वो स्टॉप था, क्योंकि एनजीएमए का जो कैंटीन है उसमें काम चल रहा है, वो एक बार ठीक हो जाए फिर नाइट इन अ म्यूजियम स्टार्ट होगा। तो नाइट इन अ म्यूजियम में एक तो 11 से 6:30 बजे हो गया, उस समय टिकटेड एंट्री है, 6:30 बजे के बाद कोई टिकट नहीं है, 6:30 से 10 बजे तक कोई भी आ सकता है, उनको थोड़ा सा हम लोग टूर देंगे, मैं उन परमानेंट कलेक्शन में टूर देता था, फिर अगर स्पेशल एग्जीबिशन होता था उसमें टूर देता था, और फिर बाहर आके ऐसे पेपर रख दिया जाता था, तो म्यूजिक मैं थोड़ा सा वो काहून बजा लेता हूँ, और भी कुछ लोग गिटार लेके आ जाते थे, तो कुछ पेंटिंग भी करते थे, वो घर से रंग लेके आ जाते थे, उसमें पेंटिंग करते थे, पूरा एक माहौल बनता था। अगर आप एनजीएमए के फेसबुक पेज में जाएंगे, इवन वेबसाइट में भी जाएंगे, ट्विटर पेज में जाएंगे, ऐसे 8 अड्डा का डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हो, नाइट इन अ म्यूजियम का डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हो। तो ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है मेरे लिए और पूरा इंस्टीट्यूशन के लिए, क्योंकि मैं देखा मेरे जैसे और मेरे से यंग लोग नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का ये सब एक्टिविटी शेयर कर रहे हैं और दोस्त को लेके आ रहे हैं। हाँ सर, गिटार लेके आ जाए क्या, म्यूजियम के अंदर नहीं बजा सकते, बट हाँ कैंपस में थोड़ा सा बजा सकते हैं क्या, हाँ हिंदी गाना हो सकता है क्या। तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है, आर्ट हिस्ट्री इज इन अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया
lot of museum appreciator comes, so don't make noise inside of the museum. But outside in the campus, you can make a area, thoda sa peer ke niche hamare bhi jagah bana hua hai, jahan pe baith ke thoda sa ek, what you can say, it's more like a therapy, art therapy, music therapy, talking with people, sharing with people. Abhi to hum log sab feel kar rahe hai, talking kitna important hai. तो ये दो चीज आर्ट एट द नाइट इन अ म्यूजियम. एक एग्जीबिशन के बारे में थोड़ा सा मैं बोलूं, टाइम है please, जो आपने please, बोला please. था आपने एक चीज बहुत अच्छा बोला जो टच मत करो. तो मेरा स्पेसिफिक एडुकेशन रेस्टोरेशन में नहीं है, बट म्यूजियम में काम करते करते हमारे जो सीनियर रेस्टोरर है उनसे थोड़ा सा क्वेश्चन करके मैं सीखा. जो वो बोलते हैं हैंड में ग्रीस है, जैसे मेरा अभी पसीना हो रहा है, तो ये पसीना के हाथ से अगर मैं कोई पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग है, एक्रिलिक पेंटिंग है, उसको हम छू देंगे तो वो हैंड ग्रीस उसमें चले जाते हैं और उसका जो लॉन्गजिविटी होता है पेंटिंग का, जो पेंटिंग हम लोग फ्रेम नहीं करते, क्योंकि एक्रिलिक पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग काफी सारे ऐसे है जो अनफ्रेम्ड है, इवन स्कल्पचर भी. अब नेशनल म्यूजियम में मैं देखा हूँ कुछ स्कल्पचर के सर्टेन बॉडी पार्ट्स बहुत एकदम ग्लोई होता है, क्योंकि उसमें लोग आके टच करता है, क्योंकि वो देव देवता है, वो छू के प्रणाम करने जाते हैं. तो अगर म्यूजियम के, क्योंकि ह्यूज लोग भी आते हैं, जैसे आपने बोला CISF, थोड़ा सा रूड होके बोलते हैं, क्योंकि क्या करे, जो कुछ समय ना 800 लोग आ जाता है, 200 लोग आ जाता है, तो अगर मैं बहुत हम्बली अगर उनको बोलूं वो सुनता ही नहीं है. छोटे बच्चे आते हैं, उनके पास पेंसिल पेन रहता है, वो अगर गैलरी अटेंडेंट बाबू तुम टच मत करो ऐसे बोलेंगे ना, वो टच करेंगे तो थोड़ा सा ना वो डांट देता है. तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो हम लेते हैं आउटरीच प्रोग्राम में. हम क्या करते हैं, जब स्कूल में जाते हैं, जब मम्मी पापा में जाते हैं, तो उनको बताते हैं, जैसे आप दूसरे के घर में जाके फ्रिज ओपन करके खाना नहीं खाते हो, रिलेटिव घर के खा सकते हो, अपने घर में खा सकते हो, बट आपके दोस्त के घर में बर्थडे में गया तो उनके कोई ऐसे छोटा सा कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हाँ, ऐसे साइड में, उसको आप लेके टच नहीं करते, उसको दूर से देखते हो. ये जो शिक्षा होता है ना, ये कोई स्कूल नहीं दे सकता है, ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं दे सकता है, ये शायद माहौल दे सकता है. काफी सारे बच्चे हॉस्टल में बड़े होते हैं, काफी सारे बच्चे ऐसे इंडिया में हैं जो स्कूल कॉलेज में जा ही नहीं पाता है शायद. तो म्यूजियम का और म्यूजियम एम्प्लॉय का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जो उन लोगों तक पहुंचे. जैसे मैं 2-3 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ. SPYM बोल के एक एक्टिविटी चलते हैं, वो एक एसोसिएशन है जो स्टेशन में जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं, उनको थोड़ा रिहैबिलिटेशन देना. मैं उसमें विशाखा जी थे, नाउ शी जस्ट गॉट मैरिड. विशाखा जी पहले एक दिन खुद म्यूजियम में आए. SPYM एक लाइब्रेरी भी चलाते थे आगे, असीम लाइब्रेरी, तो ऐसे बच्चे को ले जाके लाइब्रेरी में बिठाते थे, कुछ फन एक्टिविटी करते थे. तो विशाखा जी मेरे को लेके उनके सीनियर ऑफिसर के साथ मिलाए थे और बोले थे इन स्टेशन में जाके, मैं पुराने दिल्ली स्टेशन में मुझे अभी भी याद है, कुछ रवि वर्मा, कुछ अमृता शेरगिल थे, जो मेन वर्क के प्रिंट्स होता है, पोर्टफोलियो होता है, और कुछ कहानी बताने का बुक्स होता है, उसको लेके गया, कुछ बजाने के लिए भी लेके गया था, क्योंकि वो पहले सुनेंगे नहीं, तो ऐसे बजा के उनको अट्रैक्ट करे, वो लोग बैठ गए, साथ में ऑटो ड्राइवर भी बैठ गए. और फिर मैं थोड़ा सा बताया, हम ऐसे जगह से आ रहे हैं जो ये सब चीज आप आएंगे तो देख सकते हैं. फिर चिल्ड्रंस डे में ये लोग आए थे, इनके लिए बस का व्यवस्था हुआ था, ये इन लोगों का थोड़ा सा फंड होता है, तो वो लेके आए थे. फिर एक दिन तो हम उधर पे मिले थे, दूसरे दिन जब म्यूजियम में आए तो सब मेरा दोस्त है. आप जानते हैं वो जो ड्रग कंज्यूम करते हैं उनको संभालना, इवन वो जो वॉलंटियर्स होता है उसके लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है. बट उज्जवल जी और पूरा जो स्पीकर्स है, प्लीज बिलीव मी, देवर सो गुड, देवर हेलो हाय, दे रिमेम्बर एवरीथिंग. दे सेड सर Today we will drum. Today we will drum. I said after the tour we will have music, and not inside of the museum. Unko bola jo don't touch. Then they said yes, yes, jump, jump. हाँ मतलब आप अगर थोड़ा सा माहौल दोगे, they will start to react. ऐसे नहीं है जो कोई आपके against में है. और एक चीज बोलना चाहूँगा, एक म्यूजियम में एग्जीबिशन हुआ था 2018 में NGMA में, वो एग्जीबिशन इटली से आए थे. हम लोग हमेशा बोलते हैं पानी के बॉटल रख दीजिए, फ्लैशलाइट मत जलाइए, और अगर लोग उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं पानी की बोतल क्यों नहीं लेके जाए, तो हम बोल सकते हैं गिर सकता है, पानी चले जा सकता है आठ वर्ष, इसीलिए आप पी लीजिए इधर पे. फिर बैगेज बड़ा बैग है तो रख दीजिए. पेंटिंग के एकदम सामने जाके सेल्फी मत लो, क्योंकि टच हो सकता है. बट NGMA ने अभी कुछ दिन हुआ है मोबाइल फोटोग्राफी अलाउड किए है. अगर कोई आर्ट वर्क्स आपको पसंद है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन
और वो पेंटिंग और स्कल्पचर आप पिक्चर ले सकते हो। ये 2014 और 15 में नहीं था, इससे कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ। बुरा क्या हुआ, ज्यादातर लोग जाके ही सेल्फी लेना स्टार्ट कर देते हैं, और सेल्फी लेते लेते आर्ट ऑब्जेक्ट का इतना सामने आ जाता है, सिक्योरिटी घबरा जाता है, हम लोग भी घबरा जाते हैं, हम लोग उनको निवेदन करते हैं प्लीज थोड़ा सा दूर में आइए। हाँ, तो ये सब ना डील करना पड़ेगा, हम लोग भी सीख रहे हैं। तो बट एक चीज अच्छा हुआ है, जो स्टूडेंट्स आते हैं वो मेमोरी के लिए वो एक पिक्चर लेके जाते हैं, मम्मी पापा को दिखाता है, फिर आते हैं। हाँ, नहीं तो वो अपडेट करता है, म्यूजियम के भी नाम आगे जाते हैं। और एक एग्जीबिशन में जो बोल रहा चाह रहा था, इटली के साथ हुआ था, उसमें जो क्यूरेटर आए थे एम्बेसी ऑफ इटली के साइड से, उधर से जो क्यूरेटर आए थे, वो बोला था जो वी वॉन्ट टू ट्रेन द एडुकेटर, जो ऑडियंस के साथ बातचीत करेंगे, और सिक्योरिटी, क्योंकि उसमें उस एग्जीबिशन का नाम था CODICI, CODICI, ये वर्चुअल एग्जीबिशन में जाके आप देखेंगे, हमारे म्यूजियम के वेबसाइट में मिल जाएगा। उसमें क्यूरेटर बोल रहे थे आके टच करो वन बाय वन, एक साथ 10 लोग नहीं, और सच में बिलीव मी यू कैन सी इट, ऐसे येलो कलर का एक ऑब्जेक्ट था, एक व्हाइट एंड ब्लैक ऑब्जेक्ट था, और इतना अट्रैक्टिव था, आपको जाके टच करना पड़ेगा। और फाइबर शीट था, उसको आप ऐसे निकाल के दूसरे जगह से प्लेस भी कर सकते हो, और जब भी आप ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हो पूरा एकदम म्यूजिक रिस्पॉन्स में आ रहा है। और वाकई वो बहुत इंटरेक्टिव शो था, जब मैं टूर ले रहा था 10-20 लोगों का, 40 लोगों का, स्टूडेंट्स का, तो मैं सबको अलाउ नहीं करता था, मैं टूर के अंदर से सबसे नन्ना और छोटे से जो बच्चे होते थे, और नहीं तो कोई एक मतलब ग्रोन जो ह्यूमन बीइंग है उनको एक को बुला लेता था। मैं बोला था प्लीज अदर एरिया इन द परमानेंट कलेक्शन, अदर पार्ट वी विल नॉट टच, बट दिस एग्जीबिशन इज ओनली टू टच एंड एंजॉय। तो वो जाके टच करते थे और पूरा गम गम करके म्यूजिक होता था। तो ऐसे एग्जीबिशन से हम भी सीखे, ऐसे एग्जीबिशन और ऐसे आर्टिस्ट सच में जरूरत है, जो ये जो डाइकोटॉमी है उसको लेके काम करते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट टच ऑब्जेक्ट, एक स्पेसिफिक एग्जीबिशन जहाँ पे आप बोल रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, आके टच करो, साउंड हो रहा है। तो ऐसे आर्टिस्ट भी काफी सारे चीज एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उससे म्यूजियम भी सीख रहा है। और हाँ, कुछ जो नॉर्म्स है और नियम है वो तो मान के चलना है, नहीं तो ये एक इंस्टीट्यूशन है, वो उनको काम संभालना है। अगर हम लोग आके टच करेंगे, हम लोग अगर वैंडलाइज करेंगे, तो अगले 50 साल बाद जो जूनियर स्टूडेंट्स होगा उनको मॉडर्न आर्ट के बारे में और हमारे हिस्ट्री और हेरिटेज के बारे में कैसे पता चलेगा। तो आपने सही बोले हो, घर से, प्राइमरी स्कूल से अगर एप्रिसिएशन स्टार्ट हो तो मुझे लगता है वी कैन चेंज। एंड ऑब्वियसली म्यूजियम क्यूरेटर्स को स्कूल तक, गांव गांव के स्कूल तक, छोटे छोटे स्कूल तक और एनजीओस के साथ काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये एक ह्यूज लेवल आ सकता है। बड़े बड़े बात तो बोल देंगे बट वो होगा नहीं जब तक हम काम नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। तो बहुत सारे हमें पता चला कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट म्यूजियम्स, किरण नाडर म्यूजियम है अभी ब्रूटा साहब के वहाँ पे, एक बहुत अच्छा एग्जीबिशन चल रहा है, सो वी हैव लॉट ऑफ प्राइवेट म्यूजियम्स। और हाँ, तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के भी, प्राइवेट के भी। तो अपने जितने भी अटेंडीज हैं हु आर लिटिल अनअवेयर अबाउट दिस फैक्ट्स, दे शुड गो टू म्यूजियम्स ऑब्वियसली आफ्टर COVID-19। आप लोग जाइए, और बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट अड्डा इज वेरी गुड इनिशिएटिव। आपने बहुत नॉर्मल, आप बड़े बड़े लोग जिनके बारे में आप पढ़ते हैं किताबों में, स्पेशली फाइन आर्ट स्टूडेंट्स एंड डिजाइन स्टूडेंट्स, वो जाके वहां पे एकदम ही सामने सामने से बैठ के बातें कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। नाइट इन अ म्यूजियम इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट, कि हमें धूप में नहीं जाना पड़ेगा, आपको शाम में आराम से जाइए और एंजॉय करके आइए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जा चुके हैं, बहुत सारी चीजें अभी ली जानी चाहिए। और उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि छोटी छोटी जगहों पर भी म्यूजियम्स होने चाहिए। मैं आपको बताऊं, कल आई वोंट टेक द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत काफी ऊंचे पोस्ट के डिसीजन मेकर से कल मेरी काफी लंबी बात हुई, एंड शी वॉज टेलिंग मी कि हम लोग म्यूजियम्स के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स के साथ काम कर रहे हैं कि छोटा छोटा एक म्यूजियम डेवलप किया जाए, जहाँ पे बड़े बड़े म्यूजियम्स के रेप्लिकास रखे जाएं और वहाँ पे बच्चे एसोसिएट कर पाएं, उन चीजों को समझ पाएं, क्योंकि सारे लोग, एवरीबडी वोंट गेट अपॉर्चुनिटी टू कम टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड अवेल दीज अपॉर्चुनिटीज। सो वहाँ छोटी छोटी जगहों पे भी हो, तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, और अलग अलग बॉडीज अपने अपने लेवल पे कर रही हैं, जैसे और उन्होंने बताया एनजीएमए काफी काम कर रहा है। तो आप लोग, मैं आई विल डेफिनेटली इनकरेज कि टेक योर स्टूडेंट्स, टेक योर किड्स,
गो योर सेल्फ टू द म्यूजियम, जरूर जाइए और माहौल थोड़ा सा ऐसा बनाइए कि ये ना लगे कि भैया आर्ट तो बड़े लोगों की चीज है या ये कोई लोग कोई समझेगा नहीं। हाँ प्लीज, और को आप कुछ बोलना चाहते? उज्जल जी, मैं एक चीज बोलना भूल गया था अभी, मतलब थोड़ा सा गैप मिला तो मैं सोच रहा था। मैं स्पेशली एबल जो स्टूडेंट्स है, स्पेशली एबल जो ह्यूमन बीइंग है, हमारे जो दोस्त है जो अच्छे से शायद सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, इनके लिए म्यूजियम क्या सोच रहे हैं, इनके लिए क्यूरेटर क्या सोच रहे हैं। नेशनल म्यूजियम ने बहुत अच्छा काम किया था, नेशनल म्यूजियम जो विज्ञान भवन के ऑपोजिट में है, तो उन्होंने एक गैलरी बना दिए थे जहाँ पे टैक्टाइल एक्सपीरियंस हो सकता है, मतलब कुछ कल्चर जहाँ पे वो इंटेंशनली बोल रहा था टीचर्स को और एडुकेटर को, जो आपके जो जो बच्चे देख नहीं पाते उनको आप कैसे दिखाएंगे। एनजीएमए में ऐसे हम लोग मतलब टच नहीं करने देते हैं, बट कुछ समय जब ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए स्पेशली बुक्स मिलता है, जैसे अमृता शेरगिल का पेंटिंग को वो स्पेशली वो डिजाइन करके ऐसे लेके आते हैं, तो हम क्या करते हैं उनको बोलते हैं, 50 स्टूडेंट्स उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है तो हम 20-15 ऐसे बोलते हैं। नोएडा डेव सोसाइटी के साथ हम लोग काम किए हैं, स्पेशली एबल जो देख नहीं पाते हैं उनके साथ मेरे समय में मैं काम किया, तो वो क्या करते हैं वैसे प्लेट लेके आते हैं और हम ठीक उनको ऐसे गाइड करते करते हम अमृता शेरगिल जहाँ पे है और नहीं तो राजा रवि वर्मा जहाँ पे है, मकबूल फिदा हुसैन का पेंटिंग और आर्टवर्क जहाँ पे है उधर पे जाके बैठ जाते हैं। जो लोग देख नहीं पाते हैं उनको वो शीट दिया जाता है ब्रेल जहाँ पे रहता है और मैं उनके बारे में कहानी बताता हूँ। मैं बोलता हूँ आप जैसे ऐसे 800 स्टूडेंट आते हैं दिन में और वो ना हंसते हैं, उन वो रिलेट करते हैं, वो कुछ समय खूब गंभीर हो जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ म्यूजियम इवन जो सीनियर सिटीजन्स है जो व्हील चेयर में आ रहे हैं, हाँ अगर उनके साथ कोई साथी नहीं है तो ऐसे हेल्पिंग हैंड रहना चाहिए। हमारे सिक्योरिटी बहुत अच्छा काम करते हैं, वो तुरंत आके हेल्प करते हैं। हाँ फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कोई गिर जाता है, कोई दौड़ते हैं कैंपस में तो कुछ भी हो सकता है। तो मतलब वेलकमिंग, मतलब ऐसे नहीं क्यूरेटर्स प्रोग्राम डिजाइन करे ऐसे, मतलब एकदम घर जैसे बनाए उसको, आपके अपने घर लगे। जब तक वो नहीं होगा, जितने भी छोटे छोटे आप जो ये प्लान बोल रहे थे पॉपअप म्यूजियम का, मे बी वजह प्रिंट लेके एक दिन मॉर्निंग वॉकर के साथ मिलने गए, वो डीडीए ने प्रोग्राम कराया था, मैं आपको 2-4 तस्वीर शायद भेजा था, तो उनके साथ जब बात कर रहे थे उन लोगों का क्वेश्चन से एकदम अलग है, वो म्यूजियम के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन ही नहीं करता था, वो क्वेश्चन करता था नेचर के साथ म्यूजियम को कैसे कनेक्ट करे। तो मैं उसका जवाब दिया आप बच्चे को और परिवार को लेके जाइए साइट सीइंग में, पहाड़ दिखाइए और उसके बाद अगर एनजीएमए में आ रहा है तो रामकुमार का पेंटिंग देख रहे हैं तो आप बच्चे को बोलिए अच्छा आग बंद करो, सुनाई दे रहा है उस समय जो हम पहाड़ देखने गए थे उसकी आवाज। होलिस्टिक लर्निंग, उस समय रेल स्टेशन में हम लोग कोई जगह में घूमने जा रहे हैं, मम्मी और पापा अगर बच्चे को बोल रहे हैं अच्छा अच्छा इतना भीड़ है आग बंद कर लो, आग बंद कर लिया तो सुनो आवाज, सुनो लोगों का चलने का आवाज, सुनो ट्रेन की आवाज सुनो और फिर म्यूजियम में लेके आए, क्योंकि म्यूजियम इज एन आर्टिस्ट एक्सप्रेशन। और अगर एक ट्रेन की तस्वीर है, कोई रेल लाइन बना है, उस समय उसी स्टूडेंट को पूछो अच्छा याद है वो जो हम आवाज सुने थे आवाज देख पा रहे हो क्या। इनिशियली ये सुन के हम लोगों को भी लगता है क्या पागल हो गया क्या, आवाज देख पाता है क्या, आवाज देख पाता है, आवाज महसूस कर पाता है, वो कैसे कर पाता है, वही थिएटर का ट्रेनिंग है, वही विजुअल आर्ट्स का ट्रेनिंग है, वही पोएट्री का ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के साथ साथ प्रैक्टिस, आप आग बंद कर रहे हो, आवाज सुन रहे हो और फिर म्यूजियम में एक ऑब्जेक्ट के साथ वो रिलेट कर रहे हो, दिस इज एन आर्टिस्ट एक्सप्रेशन। तो ये 2-4 पॉइंट मुझे बोलना था, इट्स मोर लाइक आवर सेंसेस। This is beneficial for everyone. This is not confined under art fraternity or who are related to art or design. ऐसा नहीं है, क्रिएटिव वर्ल्ड के बाहर वाले लोगों के लिए भी ये चीजें बहुत जरूरी है, महसूस कीजिए। थेरेपी लोग करते हैं, आपने बताया था आर्ट थेरेपी, कलर थेरेपी, जिससे वो रीजॉबिनेट होते हैं। आपकी कहानी सुनते सुनते मेरे को नेशनल म्यूजियम के मेरे सारे दिन याद आ रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते थे, क्यों नहीं छूना, क्यों नहीं करना, सब बताएंगे। अभी अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं और बहुत सारे कांग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल ऑर्गो की बहुत सारे लोग काफी सीनियर लोग भी यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन इन अ वेरी जेंटल एंड वेरी नोबल वे। तो ये हमारे पास जो भी चैट बॉक्स में आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ इन अ नटशेल। तो ये पहली बार हुआ है दर्शकों, ऑल द अटेंडीज, दिस इज फर्स्ट टाइम हैपनिंग दैट वी आर इन द मिडिल ऑफ सेशन और दो बार 40-40 मिनट्स का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी हैव ओनली 7 मिनट्स और मेरे को लग रहा है कोई छोड़ के जाने के लिए तैयार भी नहीं है। सारे लोग दे ऑल आर टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट। हमारे पास एक 2-3 बड़े काफी दिग्गज लोग अपने अपने मार्केट में जो काम कर रहे हैं, एक ज्वेलरी डिजाइनर है, एक आर्ट इवेल्युएटर है, एक इंजीनियर है,
इन लोग एक 8th क्लास की बहुत छोटी बच्ची है, सबके क्वेश्चंस आ गए हैं, तो मैं इन सारे क्वेश्चंस को लूंगा अभी ये सेशन एंड करके। दोबारा से आप रीजॉइन कीजिए इसी पे। उस छोटी बच्ची का आंसर मैं कर देता हूँ कि उन्होंने पूछा है कि सोचिए कितना अवेयरनेस भी फैल रहा है, हम कहते हैं 8 लोग नहीं जानते। उस बच्ची ने पूछा है कि मैं 8th क्लास की हूँ, वानी आर यू देयर? वानी मैं आप अब स्टिल वी हैव 7 मिनट्स, तो मैं वानी को अनम्यूट करूंगा, वो क्वेश्चन पूछ सकती है। वो पूछना चाह रही है कि मैं कैसे अपने आप को आर्कियोलॉजी के लिए वो करूं, प्रिपेयर करूं। अगर और को कुछ आप बता पाए तो आप बताइए। वानी यू कैन ऑन योर वीडियो, आप अपना वीडियो ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकती हैं। यस वेलकम वेलकम वानी। सर मुझे ये पूछना है कि मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनना है, तो मैं उसके लिए अभी से कैसे प्रिपरेशन शुरू कर सकती हूँ? आप कौन से कक्षा में हैं अभी? Which class you are right? Eighth class. First, I will say, Delhi में आप रहते हो? Yes, sir. You live in Delhi. So whenever you get time, try to explore Delhi. Delhi जो आप देखो, Delhi के जो पुराने sites है, उसको देखो। और sites में आप देखोगे English में, Hindi में, local language में लिखा हुआ है। उसमें government authorized guides और resource person रहता है। और अभी तो कोविड के समय में इंटरैक्टिव ऐप भी बनाए हैं, जहाँ पे आप जाके उनके इंफॉर्मेशन और उनके हिस्ट्री जान सकते हो। पहले आप देखो और फिर खुद को क्वेश्चन करो, अगर आप आर्कियोलॉजिस्ट बन गए सपोज, तो आप क्या करोगे, क्या और कर पाओगे? ठीक है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट काफी अच्छा काम करता है। वो म्यूजियम में काम करता है, कुछ समय साइट में जाके काम करता है, कुछ समय एडुकेशन में काम करता है, और हिस्ट्री से, एंथ्रोपोलॉजी से, आर्कियोलॉजी से कैसे समाज को आई विल से दे मेक कॉन्शियस। सो आई थिंक स्टार्ट फ्रॉम नाउ, फर्स्ट इन दिस एज आई विल से स्टार्ट विजिटिंग द प्लेसेस इन दिल्ली। एंड इफ यू आर मम्मी पापा और नहीं तो परिवार के साथ आप कोई जगह घूमने जा रहे हैं, एक स्केच बुक रखिए, उसमें उस आर्कियोलॉजी के जो साइट है उसका स्केचेस बनाइए, आपको क्या क्या फील हुआ। हाँ, उसमें गर्मी ज्यादा लग गए, नहीं तो बहुत भीड़ हुआ था टिकट लाइन देने के लिए, कोई बदतमीजी कर रहे थे, कोई बहुत अच्छे से आपके साथ बात कर रहे थे, क्या बाहर में आइसक्रीम शॉप था? ये सब आप ऑब्जर्व कीजिए, वो सब आप लिखिए, थोड़ा सा ड्राइंग बनाइए, उसका मैप क्या था। एक तो मैप उधर पे मिल जाता है, खुद थोड़ा मैप का ड्राइंग बनाइए। आप अगर ऐसे एक एक साइट का एक एक मैप और उनका मेमोरी लिखना स्टार्ट करोगे, और आफ्टर योर 10th एग्जाम, 12th एग्जाम, यू विल गो फॉर मोर कोर एजुकेशन इन आर्कियोलॉजी। बट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, इट्स वेरी गुड यू हैव द इंटरेस्ट। ओके, एंड काफी इंस्टीट्यूशन भी है, जैसे नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट है, DHRM बोल के कुतुब कॉम्प्लेक्स में एक इंस्टीट्यूशन है, दिल्ली हेरिटेज मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ASI का खुद का बॉडी है जहाँ पे वो पढ़ाते हैं आर्कियोलॉजी। इवन आप इंटरनेशनली भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी, नेशनली डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन प्रॉपरली। ओके, बी स्पिरिटेड, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच वानी। आप इतनी छोटी उम्र में इतने ज्यादा अवेयर हैं और अपनी चीजों के लिए इतनी ज्यादा कॉन्शियस हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो आप अभी 11th 12th में जब जाएं तो फाइन आर्ट्स लें, उसमें थोड़ा हिस्ट्री ऑफ आर्ट पढ़ें, और आगे ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लिए आर्कियोलॉजी के लिए, जैसा और उन्होंने बताया कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप जाके काम कर सकती हैं, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकती हैं। तो स्मिता ने बताया है दिल्ली यूनिवर्सिटी डू हैव मास्टर्स डिग्री इन आर्कियोलॉजी। नो, दिल्ली यूनिवर्सिटी वोंट हैव, बट नेशनल म्यूजियम में ये आर्कियोलॉजी नहीं होता, हिस्ट्री ऑफ आर्ट होता है, म्यूजियोलॉजी और कंजर्वेशन होता है। आप उसको भी पढ़ के आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज में जा सकती हैं। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया डिप्लोमा कोर्स कराती है। DHRM भी है, DHRM, दिल्ली हेरिटेज मैनेजमेंट, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है? नहीं, वो आईपी के अंदर आता है। जिन्होंने क्वेश्चन पूछना था, सो आशिना ग्रोवर, शी इज अ ज्वेलरी डिजाइनर ऑर्गो, और वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। आशना, मैं आपको सॉरी आशना, मैं सही प्रोनंसिएट कर रहा हूँ शायद उनका नाम, मैं अनम्यूट करता हूँ एक बार। या आशिना, ओके ओके, सो प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन। हेलो उज्जवल सर, हेलो नीतू मैम, हेलो आर्गा सर। तो सर, एक चीज़ ये है कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कशंस म्यूजियम
डिजाइन इंटरवेंशंस एंड डिजाइनर्स के साथ में बहुत डिस्कशंस चल रही हैं। और अभी रिसेंटली मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था जिसमें विरासत ए खालसा के बारे में सर अमरदीप बहल समझा रहे थे और पूरा टूर दिया था जो पंजाब में इतना ब्यूटीफुल बहुत बड़ा सा म्यूजियम क्यूरेट हुआ है जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं लाइक लेदर पपेट्स, स्टाइलाइज्ड मिनिएचर पेंटिंग्स, ऑप्टिकल इल्यूजन एंड मतलब बहुत तरीके का क्राफ्ट है, प्रोजेक्शंस हैं, एनिमेशन है। तो ये सब चीजें कैसे हमारे जो म्यूजियम्स, अगर हम दिल्ली की बात करें, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट या फिर जो हिस्ट्री एंड लाइक साइंस एंड इन सबसे इन्वॉल्व थोड़े थोड़े हमारे पास म्यूजियम्स और नेशनल साइंस सेंटर, ये सब चीजों में कैसे वी कैन एड दीज एक्सपीरियंसेस सो दैट अपार्ट फ्रॉम जस्ट अ म्यूजियम जो हमारी डिस्कशन हो रही थी वो एक एक्सपीरियंस बने। बिकॉज खाली पेंटिंग्स को देखना समझना हर कोई नहीं इतना इंटरेस्ट लेगा, बट अगर वो एक एक्सपीरियंस बन जाएगा तो वो एक होलिस्टिक ग्रोथ होगा एंड पेरेंट्स विल ऑल्सो मोटिवेट देयर चिल्ड्रन, दे विल ऑल्सो वॉन्ट टू टेक देम आउट फॉर म्यूजियम्स, गो एंड विजिट म्यूजियम्स रादर देन फॉर एग्जाम्पल रिप्लेसिंग इट विद मूवी डेट कि चलो सब लोग मिलके पूरा परिवार जाके म्यूजियम देखते हैं। तो उसके लिए सर म्यूजियम्स को बहुत इंटरैक्टिव अब बनना पड़ेगा। तो म्यूजियम की अथॉरिटीज का उसके बारे में क्या रिफ्लेक्शन है एंड हाउ आर दे रिस्पोंडिंग टू दिस नीड एज पर द टाइम? थैंक यू। थैंक यू। हेलो। यस सर। या थैंक यू फॉर आस्किंग एंड थैंक यू फॉर सजेस्टिंग आई डू फील एंड आल्सो द museum leaders who are now in different institutions, they also feel the same. After the COVID situation, obviously, in National Gallery of Modern Art, I can say we have a lovely IT department, Information Technology Department, and they are dedicatedly working to create virtual experience. So yeah, even we, National Gallery of Modern Art, we had a project with Google Art Project. So you can actually shift your cursor and see the whole museum architecture in a way. But these are very simple steps, but these are very effective steps. We had very good response from different schools from different states during this 3 months time, kyunki unke teachers jab mujhe pooch rahe the sir aapke sath ek session kare, so obviously the actual museum is not there, so I am sending the link of our website where there is virtual gallery, so they are briefing about Jamini Raya, they are briefing about virtual tour about Jamini Raya. Even Mother's Day hua tha to Mother's Day ke upar bhi virtual exhibition tha. Aise chote chote issues ko leke chota chota virtual experience ko curate kar rahe hai abhi NGMA ka team, but other museums bhi kar rahe hai. Abhi to artificial intelligence aa gaya, augmented reality aa gaya, AR, to jo naye peeri ka jo students hai jo museum design aur फाइन आर्ट्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं, म्यूजियम स्टडीज को लेके पढ़ाई कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बहुत कॉन्शियस है। काफी समय इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होता है, उस समय जो लोग आते हैं डिजाइनिंग NIT और डिफरेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे डिजाइनिंग पढ़ाया जाता है, वो लोग आके सजेस्ट करते हैं जो ऐसे ऐसे हम लोग सोच सकते हैं। कुछ समय आर्किटेक्चर के जो यंग स्टूडेंट्स है, ब्राइट माइंड है, वो भी आके हम लोगों के साथ बात करते हैं। कुछ समय हम लोग सुनते हैं, उनको मेल करने के लिए बोलते हैं। बट येस, आई फील everything is important. Today we are living in virtual gallery, but once this particular time is over, but ek cheez aap socho, hamare na economical crunch bhi hai. Hum log itne kuch karenge to iske piche economy bahut zaruri hai. Main pichle chal wo Ujjal ji ek cheez pucha tha na, jo wo hamare andar aesthetic sense kaise grow karega. I think it's a total development of the society which can be reflected in the museum. Obviously we can invest in a museum to have what you can say, this kind of like new technology and all, but we have to think about the roads which can connect to the villages. The villagers should think the take the particular advantage of electricity. So the budget which comes to museum, we should also talk about that. Government museums and private museum, government museums especially, the jo budget aata hai ek saal ke liye म्यूजियम के पास, उसको लेके सोचना चाहिए। सोच भी रहे उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे सेल्फ सस्टेनेबल कर सकता है। जब एक जगह से इकोनॉमी फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है नया कुछ इंटरवेंशन करने के लिए। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप बहुत अच्छा चीज बोले जो पेरेंट्स बार बार लेके आएंगे। मेरे ये 5 साल का जो एक्सपीरियंस है इस म्यूजियम में, मैं देखा हूँ बच्चे पापा मम्मी को लेके आता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल हर प्लेटफॉर्म में देता हूँ,
एक स्कूल का नाम मैं भूल गया, क्लास थ्री का एक लड़की थी वो स्कूल के साथ आई थी और वो पूरा टूर ले रही थी और बार बार मुझे क्वेश्चन कर रही थी बीच बीच में। उसमें और भी 30-35 स्टूडेंट्स है, क्लास थ्री का सेशन था तो वो बहुत सारे। तो फिर दो चार दिन बाद नहीं दो एक दो हफ्ते बाद मैं नोटिस किया जो रेगुलर वॉक थ्रू 11, 1:30 और 3:30 बजे जो फ्री वॉक थ्रू होता है, 1:30 बजे और 3:30 बजे का वॉक थ्रू में वही लड़की, क्योंकि बाई फेस आई रिकॉग्नाइज हर विथ हर पेरेंट्स। सो शी केम एंड शी वॉज नॉट आस्किंग क्वेश्चन बिकॉज उस दिन ग्रुप में सब ज्यादातर ग्रोन ह्यूमन बीइंग और उनके मम्मी पापा भी थे और बाकी 10-12 लोग थे। तो उस दिन वो अच्छे से देखे। उसके शायद 2-3 महीने बाद मैं नोटिस किया वो ना ऐसे वो होता है ना पंख, वो जो एंजल जैसे पंख मिलता है विच इज लाइक यू कैन गो एज यू लाइक में सजते हैं एंजल, वो वैसे ड्रेस में आए और रिसेप्शन में वेट कर रहा है। तो मैं वॉक थ्रू खत्म करके नीचे आ रहा था, क्यूरेटेड वॉक खत्म करके, तो उनको देखा, उन्होंने बोला आपके लिए मैं वेट कर रहा था, आज मेरा जन्मदिन है, टुडे इज माय बर्थडे, प्लीज कम। सो वी हैड द कैंटीन ऑन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो दे हर मदर एंड फादर ब्रॉट अ केक एंड ऑल्सो हर पीयर के उनके एज ग्रुप के बच्चे आए थे, तो वो केक डिस्ट्रीब्यूट किए। तो मुझे बोला आपके आप बिजी हो, तो मेरा और एक टूर था, मैं बोला नहीं नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, बोला आई वॉन्ट टू गिव अ वॉक थ्रू इन द गैलरी। She took all this team, even ये जब उनके बच्चे उनके दोस्त और बच्चे थे उनको लेके गए, उनके पापा मम्मी और मैं भी उनको फॉलो करता रहा। और आई ऑलवेज इन एनी प्लेटफॉर्म गिव दिस एग्जाम्पल, वाई नॉट वी आर मेकिंग म्यूजियम अ बर्थडे प्लेस। ऑब्वियसली म्यूजियम के अंदर जहाँ पे पेंटिंग और स्कल्पचर है उसमें जाके हम ड्रम्स नहीं बजाएंगे, बहुत आवाज नहीं करेंगे, कैंटीन में अच्छे से छोटा सा एक बर्थडे, छोटा पार्टी, डस्टबिन में फेंक दिया चीज, उसके बाद थोड़ा सा पेपर पेंसिल दे दिए, so they can have a tour and we also have a area inside of a gallery in a corner where children and the interested people can put their own work. so usme wo us din wo Amrita Shergill ke bare mein thoda sa bataye, color ke bare mein bataye, mere jaise to nahi bata pa rahe but unko sunna mere liye ek learning tha. us class 3 matlab 7-8 saal how she reacted, how she remember and after the session उनके मम्मी पापा ये ऑर्गेनाइज किए थे, वो पेपर लेके और पेंसिल लेके आए थे, दे ऑल आर वेरी स्मॉल लिटिल किड सो दे वर एग्जॉस्टेड आल्सो, वी सैट इन अ एरिया, दे मेड देयर ओन ड्राइंग एंड हमारे म्यूजियम में एक एक्टिविटी जोन है उसमें हम लोग वो काम पिन अप कर दिया एंड दे टुक फोटोग्राफ एंड दे पब्लिश इन देयर ओन प्लेटफॉर्म दैट एरिया, लाइक उनके बच्चे जो जो बनाए। सो फॉर द किड शी कैन ड्रीम ओके एंड शी कैन टेल एनजीएमए में मेरा काम भी है। So you can see, like through this, it is not only virtual reality, it is not only augmented reality, this is not new intervention of science and technology. We should help, take help. We should also think about how this hand tactile experience is, we can rejuvenate. क्योंकि हम लोग ये मोबाइल के चक्कर में ना क्या हो रहा है, हाथ से काम करना ये सब भूल जा रहा है। तो म्यूजियम जब आते हैं हम तो जरूर कोशिश करते हैं जो वो tactile experience और एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। बहुत अच्छे से आपने इसको आंसर दिया विद द हेल्प ऑफ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। वेमिका जी ने बड़ा अच्छा बताया कि ये मूवी जाना और उसकी और पेंटिंग देखने दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो प्योरिटी है जो पेंटिंग की, जो कलर्स है, जो एक्सपीरियंस है, वो दूसरी जगहों पे नहीं मिलता है। और आपने बर्थडे वाला एग्जांपल दिया तो ये बात जरूर है कि हम 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए का मूवी टिकट लेके मूवी देखने जरूर जा सकते हैं बट वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते या अपना कोई भी सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। बट आर म्यूजियम्स आर अलाउइंग यू टू कम इन एंड हैव दिस काइंड ऑफ सेशंस, वेरी प्राइवेट सेशंस, बहुत जो एक्सपीरियंस देगा आपको। और ये जो आपने बताया और को कि हम उसने पेंट किया हमने वहां पे लगा दिया, बाहर में इंटरनेशनल म्यूजियम्स में विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत सारा काम ऐसा कर रहे हैं लोग कि आप वहां पे कुछ बनाते हो वो उसी समय स्कैन होके सब बहुत बड़े पर्दे पे डिस्प्ले होने लगता है। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीजों की का इन्वेस्टमेंट भी है, इकोनॉमी भी इन्वॉल्व है। तो रादर देन ब्लेमिंग ऑन ओनली गवर्नमेंट की गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग दिस, जापान में तो हमने ऐसा देखा था, यूएस में तो हमने ऐसा देखा था, वी शुड इन्वॉल्व आवरसेल्फ। हमें अपने बच्चों को, अपने जूनियर्स को, अपने स्टूडेंट्स को और अपने खुद को भी लेके जाना चाहिए, वहां पे एक्सपीरियंस करनी चाहिए चीजों को। और रात में भी म्यूजियम खुल रहा है, इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है। सो थैंक यू सो मच। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, एक आर्ट इवेल्युएटर है मुंबई बेस्ड, अवनिका सिंह। अवनिका मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, यू कैन गो अहेड विद योर क्वेश्चन।
Am I unmuted now? Hi, sir. Hi, Neetu ma'am. Hi, Mahima. Hi, Mr. Ganguly. It was really informative session. So it was not just a question. It was just a comment on the present scenario. That is, like, when a person come and he or she talks about numbers, whenever we talk about Guy Pondit painting, Vasudev Guy Pondit, it always goes like, oh, unka painting 2 saal pehle 7 crore ka bika tha. That's how we go about. Or right now we know about ki Indian economy kharab isliye hai, art market isliye affect hua, kyunki abhi recent South Base ke auction mein Guy Pondit ka painting nahi sell hua. It was a really pity on Guy Pondit. So it was a comment, like, whenever we evaluate our art market at the end of the year, it comes with the number. And we say art market abhi itna pe hai and it's facing really bad. 2008 mein it was really at boom, but right now it is not. So when we give market the number, like, our government and our society, that's what we serve society. We serve numbers. So it's not on the people's fault. Like, if we serve them everything on the platter, like art is important and all that stuff, so they'll feed like it. But then we serve them number, that's why they talk in numbers. It's fault on our society, on art society. It was more comment perhaps. What was the question? Yeah. it was not a question, it was a comment. It was a comment. So thanks, a re-comment by Orgo, please. ये आर्ट इवैल्यूएटर हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं मुंबई में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हैं, सो इनके क्वेश्चंस भी थोड़े से बिजनेस ओरिएंटेड आ रहे हैं, सो हमें एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी मिल रहा है. वी शुड आई वांट टू जस्ट शेयर माय व्यू. एकदम मैं सिंपल उदाहरण लेना चाहता हूँ. जो किसान आलू के मतलब तैयार कर रहा है जमीन में, उसका पसीना जा रहा है, वो आलू तैयार कर रहा है, वो खेती कर रहा है, वो घर चला रहा है, वो किसी से पैसा भी ले रहा है शायद. वो मैं ये एग्जांपल किस लिए देता था, क्योंकि मेरा बिजनेस सेंस उतना अच्छा नहीं है और मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ मार्केटिंग में. बट ये जो आप बोल रहे हो ना, वासुदेव Guy Pondit का नंबर, सो कॉल ऑक्शन हाउस के नंबर, Guy Pondit जी ने देखा है क्या उतना पैसे? तैयब मेहता देखा है क्या उतना पैसे? क्या गैलरी और एजेंसी देख रहा है? म्यूजियम गैलरी ये सब ना, मतलब ये टर्म से भी आपको पता चल जाता. व्हेन यू लाइक उज्जवल जी से बात हो रहा था मेरा कल परसों, तो गैलरी और म्यूजियम के अंदर क्या पर्सपेक्टिव सेंस का प्रॉब्लम है? ऑब्वियसली बिजनेस इज इम्पोर्टेंट. अगर सिनेमा देखने जाएंगे, कोई खरीदेंगे नहीं टिकट, तो फिल्म एक्टर हेलो नहीं है, तो ऑब्वियसली प्याज के भाव कुछ समय 80 रुपए होता है, कुछ समय 30 रुपए भी मिलता है. सो दीज आर मार्केट, बट हाउ वी कैन मेक अ बेटर मार्केट, आई थिंक थ्रू द एडुकेशन पॉलिसी. अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनरिच कर दिए जो क्यों Guy Pondit देखने जाना है, और अगर Guy Pondit का ओरिजिनल पेंटिंग नहीं है, उसका अगर प्रिंट 70 रुपए में, हमारे आर्ट पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है जो म्यूजियम के अंदर आर्ट शॉप है, उसमें 200-150 रुपए में इतना अच्छा सुंदर प्रिंट मिलता है, वही लेके मैं स्कूल में आउटरीच करने जाता हूँ. तो अगर ऐसे भी लोग Guy Pondit का प्रिंट खरीदते रहे, तो एक पब्लिक अवेयरनेस होगा. सो आई थिंक द कॉमर्शियल गैलरीज, they are not really interested to educate the society, they are interested to make money. Just like, if you just see, it's not, I am being harsh on them, that is their business, that is their livelihood, they should do that. And also sometimes artists also get a percentage, but what percentage? So who are the maker, whose imagination we are seeing in the canvas, and we are trying to make a movie, or we are trying to celebrate as a kind of object? It's not always commodification. It's also, if you want to commodify it with a strategy. The strategy should be education. So, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको लेके सोचेंगे, और अगले पीढ़ी जो होंगे वो और 10 Guy Pondit खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे. ऐसे हम लोग अगर इवेल्युएट करेंगे एडुकेशन के थ्रू, जो क्यों Guy Pondit देखेंगे, उनके लाइन्स में क्या महत्वपूर्ण है, वो कैसे रंग लगाए, वो शुरुआत में कैसे पेंटिंग करते थे, उनके जीवन में फिलोसॉफी क्या था, हाँ, वो कहाँ से पढ़ाई किए थे, इस नजरिए से अगर हम लोग देखेंगे, तो शायद मुझे लगता है
जो लोग अप्रिशिएट करना स्टार्ट करेंगे वो 2008 में भी अप्रिशिएट करेंगे, 2020 में भी अप्रिशिएट करेंगे, ग्राफ ऐसे नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर उठेंगे। तो मुझे लगता है बेस से स्टार्ट करना चाहिए, जो शायद कुछ कमर्शियल गैलरी का प्रॉब्लम है, वो ऐसे इतना लेके सोचते नहीं है। और मुझे लगता है और विजनरी होना चाहिए, जो अगर मार्केट में इनको टिकाना है तो कैसे टिकाए अगर उसके उसके बेस ठीक नहीं है। तो मॉडर्न आर्ट जो लोग खरीदते हैं वो तो ऑब्वियसली उनका टेस्ट चेंज होगा, तो उसका टेस्ट को बरकरार रखने के लिए आपको एडुकेशनली उनको तैयार करना पड़ेगा। एंड आई एग्री, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बॉडीज दे आर वर्किंग हार्ड नाउ, तो लॉट ऑफ आर्टिस्ट आर ऑल्सो इन अ वेरी बैड कंडीशन, काफी सारे फ्रीलांस आर्टिस्ट है जो फ्रीलांस काम करते थे ओनली, दे वर नॉट इन्वॉल्व इन अदर, so they are also facing problems, so they are also questioning the government bodies and the private bodies, so everyone is working on, because this experience 4 months lockdown or 3 months lockdown we never had experience, even my mummy papa se bhi baat kar raha tha, kabhi soche hi nahi the, so obviously be patient, government mein jo log baithe hue hai us seat mein wo bhi aapke jaise insaan hai, unko bhi thoda sa sochne aur samajhne ke samay dijiye, wo aise nahi hai wo dekhta hai aapko abhi solution de diye, so be patient, because I think yes, we should be patient and tolerant a little bit. I think policies will come. There are so many important people. Thank you. सबसे अच्छी चीज है कि we should be aware about things what is happening. हमें थोड़ा initiative लेना पड़ेगा rather than abusing only government and asking questions. हाँ, थोड़ा critical बनने से अच्छा है कि हम initiative ले। अभी आपने बोला कि सबकी हालत खराब है। We are working. The Delhi Art Fraternity is working to do working for that. वैसे freelancers जिनके पास अभी काम नहीं है। I am also involved in that. कोशिश है कुछ करेंगे, आप लोग तक बहुत जल्दी पहुंचेगा कुछ, तो आप लोगों का भी सहयोग उसमें चाहिए होगा। Obviously I won't ask the money, but हाँ थोड़ा सा time, थोड़े से ऐसे कुछ sessions, थोड़े से आपके कुछ inputs चाहिए होंगे। Thank you so much अवनी का बहुत अच्छा question पूछा, एक different perspective दिखा, और हर field में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कुछ money making के लिए ही होते हैं, हम उन्हें गलत नहीं ठहरा सकते, कुछ educational purpose के लिए होते हैं, कुछ अच्छी चीजों के लिए होते हैं, तो हर तरह की चीजें होती हैं। इससे पहले कि हमारा तीसरा सेशन भी खत्म हो जाए, हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे। एक इंजीनियर है किशन कुणाल, उनका नाम है, मैं उनको अनम्यूट करूंगा, उनका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेंगे, फिर हम एंड की तरफ बढ़ेंगे सेशन, सेशन को एंड करने के लिए। सर ये हम लोग जानते हैं कि जो म्यूजियम्स बड़े शहरों में दे आर वेरी पॉपुलर एंड ऑल्सो एंड स्मॉल सिटीज में ज्यादातर म्यूजियम्स पॉपुलर नहीं है। साथ साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि बड़े म्यूजियम्स में जो भी विजुअल्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं दिखाने के लिए, वो ओवर क्राउडेड हो चुके हैं, तो बहुत लोगों को ये सब देखने को मिलता भी नहीं है। और साथ साथ छोटे म्यूजियम्स में या उसके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स या लोकल क्राफ्ट्स जो म्यूजियम्स वगैरह में दिखाई जाती हैं, वो बड़े म्यूजियम्स को या बड़े सिटीज के जो म्यूजियम्स वहां शिफ्ट कर दी जाती है। इसके कारण लोग मतलब सोचते नहीं है कि छोटे छोटे म्यूजियम में जाना या वहां पर विजिट करना, तो इसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। आप कौन से शहर से हैं? दिल्ली से हैं आप? सर किशन, सर मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर किशन जी, मैं मेरा लाइफ का एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं शुरू में भी बोला था, मैं बैरकपुर से हूँ, जो कोलकाता जो रेलवे स्टेशन है उससे 30 किलोमीटर लगभग दूर में है, 24 परगना में। तो मेरा जो शुरुआत मैं बोला था इंडियन म्यूजियम, जो एकदम सिटी में पार्क स्ट्रीट में मेन कोलकाता सिटी में बहुत पॉपुलर म्यूजियम है और इंडिया के सबसे पुराने म्यूजियम। बट बैरकपुर में रिवर साइड रोड में एक म्यूजियम है जो बैरकपुर गांधी म्यूजियम बोला जाता है। आप कभी भी टाइम मिले तो आप इंटरनेट में एक बार चेक करना, बैरकपुर गांधी म्यूजियम इज अ वेरी पॉपुलर स्पेस, और ये एकदम छोटा म्यूजियम है, बट उनके जो म्यूजियम स्टाफ है, क्यूरेटर है और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो उतने छोटा म्यूजियम को कैसे पब्लिक प्रोग्राम, इंटरैक्टिव प्रोग्राम, सिट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन, टूर, वर्चुअल टूर, टेलीविजन ऑपरेशन, इससे वो गांधी म्यूजियम को कितना पॉपुलर किया है। और मैं हर साल में एक बार और दो बार जब बैरकपुर जाता हूँ मम्मी पापा से मिलने के लिए, जब मैं वो गंगा किनारे जाता हूँ, गंगा किनारे बैठने के आगे मैं जानता हूँ जो म्यूजियम में ऑब्जेक्ट सेम है, बट मैं एक बार तो घूम के आता हूँ। तो ऑब्वियसली कुछ समय एग्जीबिशन, आपने जो बोला है बड़े शहर में बड़े एग्जीबिशन होने के समय वो लोन करते हैं, छोटे छोटे म्यूजियम से ऑब्जेक्ट्स आर्टिफैक्ट्स लेते हैं एक एग्जीबिशन के लिए, और फिर आफ्टर अ टाइम दिस ऑब्जेक्ट्स गो बैक। बट
उस समय छोटे म्यूजियम भी बड़े म्यूजियम से ऐसे टाई अप कर सकते हैं, इसीलिए वो प्राइवेट और वो गवर्नमेंट म्यूजियम का जो पॉलिसी है, MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो साइन होता है दो म्यूजियम के अंदर और दो बॉडी के अंदर, उसको लेके और काम करना चाहिए। बट मुझे ऐसे नहीं लगता है जो छोटे म्यूजियम अट्रैक्टिव नहीं हो सकता है। जैसे एक छोटा और एग्जांपल देता हूँ, मैं 2016 में बनारस घूमने गया था मेरे एक ऑफिस कॉलीग के साथ, उनके नाम थे अमरेश जी, नाउ ही इज नॉट विथ अस, ही इज विथ अनदर ऑफिस एसोसिएशन। तो बनारस जब घूमने गए थे उन्होंने मुझे सारनाथ में लेके गया था, तो सारनाथ में एक छोटा सा साइट म्यूजियम है एंड यू नो हाउ मच पॉपुलर दैट म्यूजियम इज। मुझे तो मतलब वो सारनाथ म्यूजियम के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ा और उसमें तो मोबाइल भी लेके अंदर नहीं जाने देते क्योंकि उसका कुछ सिक्योरिटी रीजन है, है? तो मैं बोल रहा हूँ सारनाथ म्यूजियम इज मच स्मॉलर देन द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का जो कैंपस हम लोग देखते हैं। बट कंटेंट वाइज मैं बोल रहा हूँ विषय और सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट लेंगे लोग और सब्जेक्ट को अगर इंटरेस्टिंग करके क्यूरेटर और म्यूजियम अथॉरिटी दिखाएंगे, छोटे से छोटे म्यूजियम में भी लोग पहुंचेंगे, ये तो मेरा पूर्ण विश्वास है एंड आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट। बट यस, सो वी हैव टू टॉक अबाउट विद द म्यूजियम अथॉरिटी, वी हैव टू टॉक अबाउट दोस एडमिनिस्ट्रेटर कैसे उसको अट्रैक्टिव बनाए। बट आपके सुझाव ये बहुत इंटरेस्टिंग है और कुछ समय हाँ वो इन्वेस्टमेंट के चक्कर में, सपोर्ट के चक्कर में काफी सारे अच्छे कॉन्टेंट जिस म्यूजियम में है जो छोटे छोटे गाँव और शहर में है, मैं भी देखा हूँ उसमें लाइट ठीक से नहीं है, उसमें इवन प्राइवेट इनिशिएटिव है, प्राइवेट इनिशिएटिव है, किसी ने एक इनिशिएटिव लिया उसको सपोर्ट नहीं करने के लिए लोग आ रहे हैं, उसका पॉलिसी मेकिंग ठीक से नहीं हो रहा है, तो उसको लेके अगर आप जैसे मैं जैसे पांच लोग काम करना स्टार्ट करेंगे तो हम ही उसमें चेंज ले आ सकते हैं। और शायद वो ना पहले आपको विजिबिलिटी में ले आना है। टुडे वी हैव वर्चुअल म्यूजियम, दिस थिंग यू कैन गो, यू कैन रिकॉर्ड अ स्मॉल वीडियो, यू कैन टेल द स्टोरी, ये म्यूजियम क्यों इंपॉर्टेंट है, आप अपलोड कीजिए, आपके दोस्त ही देखेंगे, वो शेयर करेंगे, 5-10 हम लोग जैसे दोस्त आपके रहेंगे तो हम पूछेंगे अरे ये कहाँ पे है, मैं देखना चाहता हूँ, फिर हम लोग अथॉरिटी को बोल सकते हैं, नहीं तो जो अथॉरिटी है वो भी देख सकते हैं, आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, तो ऐसे शायद एक चेंज आ सकते हैं। सो वी हैव टू बी, वो मैं बार बार बोलता हूँ, वो एक चीज में लगे रहने हैं। आप इंजीनियर हो, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने इस सुझाव लेके आए और इस ऑब्जर्वेशन को शेयर किए। तो हमें ऐसे कुछ लोगों को जरूरत है जो डिफरेंट डिफरेंट जगह से थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, तो हम लोग उनके साथ संपर्क करें, उनको बोले मेल में लिख के भेजो, देखते हैं अगर मैं उस गांव में जा सकता हूँ, शहर में जा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ उसमें, ऐसे हो सकता है कुछ। थैंक यू। अगेन गोइंग टू द सेम पॉइंट, हम घूम फिर के स्क्वायर वन पे ही आ गए हैं कि नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ा सा ट्वीट कीजिए ना आप लोग, थोड़ा सा हैशटैग लगाइए, थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे प्रेशर क्रिएट कीजिए अथॉरिटी के पास कि वो कुछ करें, तो उनको भी लगेगा कि नहीं लोगों के लिए ये कुछ करना है। जैसे वो पार्क बना रहे हैं, जैसे वो मूवी थिएटर्स बना रहे हैं, जैसे वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, नालियां बना रहे हैं, वैसे ही म्यूजियम्स पे भी काम होना शुरू हो जाएगा। इम्प्लॉयज आर देयर, दे आर गेटिंग पेड, थोड़ा सा उस पर प्रेशर होगा तो वो लोग भी अपना काम करेंगे। सो एक और क्वेश्चन आ गया है, उसका शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर चाहूंगा मैं, फिर मैं अपनी हमारे सत्यम फैशन इंस्टीट्यूट की HOD डॉक्टर नीतू मल्होत्रा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स दें। तो लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा महिमा मलिक का, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड को एसोसिएट करता है डिजाइन को। सो महिमा को सर, माय क्वेश्चन इज कि हाउ कैन वी एसोसिएट विद म्यूजियम्स एज अ डिजाइनर, एंड इट कैन बी एनीवन लाइक अपैरल डिजाइनर, टेक्सटाइल डिजाइनर और लाइफस्टाइल एक्सेसरी डिजाइनर, एंड व्हाट ऑल और ऑल काइंड ऑफ वर्क वी कैन शोकेस। ओके, थैंक यू महिमा, एंड ऑब्वियसली आपके आंसर, आपका आंसर थोड़ा सा क्रिस्प चाहूंगा मैं और वो इस पे, और इस क्वेश्चन के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महिमा ने क्वेश्चन पूछा और बहुत सारे लोग कह रहे हैं प्लीज वो क्वेश्चन लीजिए, प्लीज वो क्वेश्चन लीजिए। सो दिस इज ऑन द बिहाफ ऑफ लॉट ऑफ पीपल, महिमा इज आस्किंग, बहुत सारे लोगों को शायद पूछना था, तो प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन, विद योर आंसर। National Gallery of Modern Art, where I work as assistant curator and give the curated work and do the educational program, mainly the collection is 1850 onwards till now. So when a student is coming from lifestyle, accessory design or dress design, even architects, designers, museum planners, they are coming, they are seeing what are the good things in the museum or what are the kind of limitations. So when you see a small painting, maybe a miniature we have in collection,
यू स्टार्ट टू से 1850 और 1870 के जमाने में लोग उन लोगों का एक्सेसरीज कैसे थे, क्योंकि उस समय आर्टिस्ट उन लोग वो उनके आसपास और सराउंडिंग को ऑब्जर्व करके ही तो बनाए थे। उसके बाद हमारे पास कलेक्शन है यूरोपियन ट्रैवलर आर्टिस्ट का, जब यूरोपियन आर्टिस्ट इंडिया में आए उस समय जो यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेटर का ड्रेस और इंडियन लोगों के ड्रेस, उसमें साफ पता चलता है जो उनका दिखाने का तरीका क्या था। उसके बाद रवि वर्मा है, रवि वर्मा का पेंटिंग देखते हैं तो पेंटिंग के साथ जो वो पेंट किया है, जो आर्ट ऑब्जेक्ट है उसमें फिगर है, उनके ड्रेस, उनके यूज किए हुए चीज, ऑब्जेक्ट्स, प्रॉप्स आप देखना स्टार्ट करते हैं। उस समय लाइट कैसे थे, नेचुरल लाइट थे, अगर नेचुरल लाइट नहीं थे तो घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी था क्या, नहीं वो लाइट कैंडल से आया था। ऐसे धीरे 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 हम एक पेंटिंग के अंदर जा सकते हैं। अमृता शेरगिल का जब पेंटिंग देखते हैं आप, उनके ड्रेस, उनके जो मॉडल्स को देख के उन्होंने पेंटिंग बनाए, नहीं तो वो फिगर्स ड्राइंग किए, उनके आप ड्रेस देखते हो, उनके उनके ड्रेस के कलर देखते हो, उनके कॉम्पोजिशन सेंस देखते हो, हाँ एक्सप्रेशन इमोशंस देखते हैं, हाँ और ऑब्वियसली उसमें ज्वेलरी भी आ जाता है, उसमें ड्रेस आ जाता है, उसमें एक्सेसरीज आ जाता है। और मुझे याद है जब सत्यम फैशन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स आते हैं और मुझे पहले उज्जवल जी बता देते हैं ये फैशन डिजाइन बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आप उनसे कनेक्ट कीजिए। तो मैं कोशिश करता हूँ जब एक पेंटिंग को लेके उस स्टूडेंट्स और उस ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बातचीत करूँ तो उस एक्सेसरीज और उस ड्रेस के डिजाइन के पर्सपेक्टिव से हम लोग म्यूजियम देखना स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं थीमेटिक टूर। एक थीम में अगर कोई आर्ट कॉलेज के पोर्ट्रेट का क्लास हो रहा है तो हम लोग ओनली पोर्ट्रेट में फोकस करके पूरा टूर लेके जाते हैं। तो ऐसे अगर आर्किटेक्ट्स आते हैं, आर्किटेक्ट्स को हम बोलते हैं देखो रैंप है, लिफ्ट है, स्पेशल एबल के लिए ऐसे वॉशरूम बनाना पड़ेगा। तो हर तरीके का एकेडमिक ग्रुप्स के लिए मुझे भी मेरा कॉन्टेंट को उसके लायक बनाना पड़ता है, उसके लिए मुझे भी प्रिपरेशन लेना पड़ता है जैसे कोई भी कॉलेज का स्कूल के टीचर्स और प्रोफेसर्स को लेना पड़ता है। उसके लिए मुझे मॉड्यूल तैयार करना पड़ता है, मैं क्वेश्चंस भी पूछ लेता हूँ पहले उनके टीचर्स से, एडुकेटर से। तो ऐसे हम लोग काम करते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है बहुत। आई थिंक आई आंसर हर क्वेश्चन। या वेरी ब्यूटीफुली एंड वेरी क्रिस्प, बहुत अच्छा सा। ये देखिए म्यूजियम है या जो भी है, पेंटिंग जो सामने लगी है इट्स नॉट ओनली पेंटिंग। उसमें आपने लाइट के बारे में बात बताया तो कोई लाइट डिजाइनर जो है जो थिएटर में लाइट डिजाइनिंग करता है ही कैन आल्सो टेक इंस्पिरेशन मोटिव्स को देख के, कोई टेक्सटाइल डिजाइन कैन टेक इंस्पिरेशन, एम्ब्रॉयडरी को देख सकता है, कपड़े सिल्वेट्स को देख सकता है, लॉट ऑफ थिंग्स एक्सप्रेशंस को देख के रस और भाव के बारे में जाना जा सकता है। सो एक चीज है आर्ट अप्रिसिएशन। सो एवरी वन शुड हैव आर्ट अप्रिसिएशन, वो इंजीनियर हो, वो आर्किटेक्ट हो, वो डिजाइनर हो, वो कुछ भी हो। आर्ट सुन के हमें लगता है ये केवल आर्ट वालों के लिए होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये डिजाइनर्स के लिए भी उतना ही जरूरत है इस चीज की, वो ज्वेलरी डिजाइनर हो, वो किसी भी तरह का टेक्सटाइल डिजाइनर हो। हमारे यहाँ लाइफस्टाइल एक्सेसरीज का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है, उसके बच्चे हो, कोई भी हो। तो आर्ट अप्रिसिएशन इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन व्हाट आई थिंक। और व्हेन यू स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग एनी काइंड ऑफ आर्ट फिर तो आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ता है, यू स्टार्ट अप्लाइंग दोज आर्ट इनटू योर वर्क। वो गाना हो तो, फिल्म मेकिंग हो तो, स्केचिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स, कुछ भी हो। सो इसी के साथ हम आज की आर्ट का चर्चा यहाँ पे समाप्त करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर नीतू मल्होत्रा, हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है सत्यम फैशन इंस्टीट्यूट की, मैम प्लीज कम फॉरवर्ड एंड गिव अ वोट ऑफ थैंक्स टू सच अ वंडरफुल पर्सन एंड हु स्पोक अ लॉट एंड हु गेव हिज प्रीशियस टाइम टू अस। मैम एम आई ऑडिबल टू यू? या मैम प्लीज। आवाज आ रही है आपको उज्जवल जी? जी मैम नमस्कार। नमस्कार कमल जी एंड थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ सत्यम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड सत्यम फैशन इंस्टीट्यूट। आपने बोला एंड आई थिंक अगर और टाइम आपको दिया जाए तो बहुत सारी नॉलेज आप स्टूडेंट्स को दे सकते हैं एंड इतने जो वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करवाए हैं उज्जवल जी ने रिलेटेड टू आर्ट पे चर्चा, तो ये तो हम चाहते हैं कि कंटिन्यू हो एंड अभी स्टूडेंट्स का जो है क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं एंड एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन चल रहा है उनका, तो टाइम जैसे एक्सपेंड हो रहा है एंड हमने वीकली रखा हुआ है तो स्टूडेंट्स की डिमांड है कि वीक में कम से कम दो बार आर्ट पे चर्चा होनी चाहिए क्योंकि इतना नॉलेज सेशंस हैं कि वो इंस्पिरेशन ले सकते हैं आगे फ्यूचर में। एंड आज दो आज आपने लिया था रोल ऑफ म्यूजियम इन सोसाइटी एंड इसमें हमारे एल्यूमनाइज भी एसोसिएटेड है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर जॉइनिंग हियर इन दिस सेशन
एंड सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कमल जी की आप हम पर विजिट किए हैं. इनफैक्ट उज्जवल जी को जब भी स्टूडेंट्स एंटर करते हैं फाउंडेशन बैच में सबसे पहले ही विजिट ही म्यूजियम ही करवाते हैं ताकि जो स्टूडेंट की नॉलेज है वो एक्सपैंड हो. जो मुझे सबसे अच्छी बात तो आपने कहा जो स्पेशल केसेस है वो फील कर सके कि हवा को कैसे आप सुन सकते हैं कैसे छू सकते हैं. तो स्पेशल केसेस के लिए आप इतने एफर्ट्स करते हैं दैट इज कमेंडेबल. बहुत अच्छी बात है ये चीज तो. यस हाँ जी. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत नॉलेज आपसे गेन करना चाहते हैं. हम आने वाले टाइम में जब ये सब ठीक हो जाएगा COVID-19 तो हम अपने नए बैच को भी लेके आएंगे आपके पास नॉलेज गेन करने के लिए और आपको भी हम कॉलेज में बुलाना चाहेंगे. एंड स्पेशल थैंक्स पल जी एंड लाइब्रेरी सेल. ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ये आर्ट पे चर्चा पे पूरा. मतलब आप मानेंगे एक वीक पूरा लग जाता है ये बच्चे लगे रहते हैं उज्जवल जी के साथ पूरा मेल भेजना सारा और पूरा बहुत सारा वर्क हो जाता है. क्वेश्चंस बनाना कैसे करना है और ढूंढना सबसे बड़ी बात कि एक आर्ट हिस्टोरियन को ढूंढना. उज्जवल खुद भी एक आर्ट हिस्टोरियन है एंड खुद भी बहुत करते हैं and बहुत ही अच्छा लगा. On behalf of Satyam Group of Institute and principal and management, I would like to thank you for this wonderful session and thank you Ujjwal. And हम आगे भी आप ये continue करते रहें आर्ट पे चर्चा. I want to say thank you Neetu ma'am and all the alumni students and also the viewers who joined for this session. But काफी सारे questions का answer नहीं दे पाए शायद समय के मामले में. But it will be great if Ujjwal ji or the team can mail me. They have my email ID. I would love to email and where I work, National Gallery of Modern Art, due to COVID-19 situation, all the virtual galleries are open for you. You can also see past exhibition, very interesting project in Twitter, in Facebook, in Instagram. Obviously, NGME is also active. Ujjwal ji is also active. I am also active. So you can directly ask us. And curators are human beings. म्यूजियम्स ह्यूमन बीइंग ही रन करते हैं. तो अगर कोई सुझाव है सजेशन है कुछ नया करना है तो हमें सजेशन चाहिए. हम स्टूडेंट से भी सीख सकते हैं. थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड हैविंग दिस प्लेटफॉर्म. एकेडमिक डिस्कशन हो रहा है बट इतना फ्लो में हो रहा है मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच ऑर्गो. थैंक यू नीतू मैम. इतना अच्छा सेशन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया सत्यम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने जिसको आप हेड करती हैं और सारे अटेंडीज जो सत्यम से जुड़े हुए हैं और जो सत्यम से नहीं भी जुड़े हुए हैं. लॉट ऑफ पीपल आर हेयर हु आर वर्किंग एज अ प्रोफेशनल इन द मार्केट जिनका सत्यम से नाता नहीं रहा है बट आज से जुड़ गया है. तो हम सबको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और ऑर्गो ने इतना अपना बहुमूल्य समय निकाला हमारे लिए. थैंक यू सो मच फॉर दैट. और यहाँ पे एक सैड एक लेट्स बी लिटिल ऑप्टिमिस्टिक. ये सैड नहीं है ये थोड़ा सा आशावादी बनते हैं हम. ये सेशन जो था ये सीजन वन का लास्ट सेशन था आर्ट पे चर्चा. वी विल बी बैक विद सीजन टू. थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे उसके लिए. कुछ हमारे भी एंगेजमेंट्स हैं तो उसको हम थोड़ा निपटा लें फिर वी विल बैक विद दिस. एज इट इज लास्ट सजेशन सो माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक्स गोज टू all the student members and student conduit members of library cell jo iske piche din raat laga rehta hai aur kaam karta hai. Hum to face hain but piche se jo director hai basically to movie unki hoti hai jo direct karta hai. To director these people are director. So thank you so much students aur sare attendees aap aate rahiye aage jab bhi art pe charcha hoga hum ek platform banayenge jisse hum aapko inform karte rahenge aur bahut jaldi hum log aayenge aur bhi acche sessions aur bhi acche thoughts aur bhi acche speakers ke sath. और को जैसे कुछ और भी स्पीकर्स को हम बुलाएंगे जो हमारे साथ समय देने में कोताही ना करें. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू और गुड. थैंक यू.